तो डियर, कल जो हमने पढ़ा था उसमें किसी को कुछ पूछना है। कल जो हमने बातें करी थी, हाँ सर जो नोट्स आपने भेजे थे ना उसमें हाँ पेज नंबर वाइज नहीं था तो बहुत कंफ्यूजन हो रही नहीं थी। डियर, उसमें मैंने लिखा हुआ था कि ये जो भी इमेज गया था तो उसमें लिखा था, मैं इमेज का नाम इमेज नंबर 1, इमेज नंबर 2 ऐसे करके लिखा था। और फिर मैंने ये पूछा भी था ओके कि किसी को अगर दिक्कत है कि नहीं उसको पीडीएफ में ही चाहिए तो मैं पीडीएफ में भेज दूँ, तो बोला गया था कि नहीं सर सही है, इमेज से अच्छे से दिख गया। तो आप बताइएगा, वैसे मैंने जो इमेज भेजा है उसके ऊपर लिख रखा है इमेज नंबर 1, इमेज नंबर 2, इमेज नंबर 3, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा, मैं पीडीएफ में भेज दूंगा। ठीक है, ओके हाँ सर। और सर जैसे वीडियो वीडियो इसी ग्रुप पे हाँ मिलेगी ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे? देखो डियर, वीडियो का तो मैंने ये सोचा है कि मैं उसको कोशिश करूंगा यूट्यूब पे डाल दूं, जिससे कि डाउनलोड भी कर सको जब भी चाहो और देख भी सको, स्ट्रीम भी कर सको जब भी इच्छा हो, उसमें ज्यादा आपको कंट्रोल मिल जाएगा। और बाकी आप बताइएगा, वैसे टेलीग्राम टेलीग्राम ग्रुप एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है उस कंडीशन में जब डाउनलोड करके देखो, वैसे यूट्यूब पे भी आप लोग समझदार हैं, डाउनलोड तो कर ही लेते हैं, तो सर हाँ जैसी भी इच्छा होगी वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट सर करें, टेलीग्राम के ग्रुप का नाम क्या है? ओके अभी मैं बता दूंगा, शेयर भी कर लूंगा। ठीक है, हाँ सर। अभी शेयर भी कर लूंगा। तो बेटा यहां तक बताया हमने, लास्ट में जो पढ़ा था उस वहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नो कोई सर। और बेटा कोई कोई और जिसको दिक्कत हो, कुछ पूछना हो? चलो नो सर। तो आज फिर स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। अगले टॉपिक में हम देखने वाले हैं, आज आज कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, हमने लास्ट में पढ़ लिया था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन भी हमने शायद शायद देख लिया था ना। अब अभी मैं बेटा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा एक बार बता दीजिएगा कि हाँ स्क्रीन आपको सही से दिख रहा है। बताए बेटा स्क्रीन क्या आप सबको दिख रहा है अच्छे से? चलो यस अब बेटा अपना ऑडियो ऑफ कर लेना, जब भी कुछ पूछना होगा, जब भी आपको बोलना है उस समय आपसे पूछूंगा, आप बताइएगा कि हाँ क्या कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है। ठीक है, सर। वैसे आवाज वगैरह तो सही आ रही है ना मेरी? ओके okay. तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा बेटा लास्ट वाली जो लेक्चर थी उसमें हमने देखा था, लास्ट में बल्कि मैं दिखा ही दूं, लास्ट में आपने देखा था कि हमने लास्ट में देखा था कि डेविएशन का एंगल क्या होगा। अच्छा, इस एंगल ऑफ डेविएशन को निकालने में किसी को दिक्कत? नो अच्छा, ये जो डेविएशन है बेटा, कुछ लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे हमने तो ये देख लिया था ना, अगर आप ध्यान से देखे हो तो हमने ये वाला एंगल जो था ये देखा था, याद होगा डेविएशन का एंगल, और उसके लिए ये सब फॉर्मूले निकाले थे जो आपके सामने हैं। कुछ कुछ जगहों पे लोग डेविएशन का एंगल ऐसे भी निकालते हैं। देखें देखिए, ये जो व्हाइट वाला हमारा रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन गया था, और ये जो ग्रीन वाला हमारा लाइन है ये दिखा रहा है कि हम ओरिजिनली किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने ग्रीन वाले को कहा था कि ये रियल पाथ है, और ये जो व्हाइट वाला है इसको हमने कहा था, ये जो व्हाइट वाला है ये हमने इसको कहा था कि ये रियल रिफ्लेक्टेड रेज है या एक्चुअल पाथ है, इस वाले को कहा था कि ये नेचुरल पाथ है, तो इसमें जो भटकाव आया था उसी को हमने कहा था डेविएशन। अच्छा, डेविएशन को हम ऐसे भी तो बता सकते हैं, आपने ये जो डेल्टा एंगल लिया था इसके बजाय ये वाला है रियल पाथ, और आप अगर ये एंगल बता दें, अगर आपने ये एंगल बता दिया तो ये भी तो एक टाइप का डेविएशन हो सकता है, हालांकि इसको कम पूछते हैं। अगर आप इसको देखें, अगर आप पहले वाले डेविएशन डेल्टा को देखें तो ये हमेशा ही 180 माइनस समथिंग होने के कारण 180 डिग्री से कम होगा, लेकिन अभी जो मैंने ये पिंक कलर का डायरेक्शन खींच दिया है, ये आप देखें, या पिंक कलर का जो एंगल खींच दिया, इसको अगर आप देखें तो ये 180 से बड़ा होगा। इसको कोई निकालने को है तो ये इसको भी निकाल सकते हैं, जैसे इसको कोई डेविएशन निकालने को कहे तो ये डेल्टा डैश क्या हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इतने एंगल को हम कहेंगे 180, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेविएशन में 180 प्लस, आप देखें आई और आर इसमें ऐड होगा तब जाके आपको ये टोटल एंगल एक्स्ट्रा वाला मिल पाएगा, तो ये हो जाएगा आई प्लस आर।
अगर डिफरेंस देखें तो पहले डेविएशन था 180 माइनस आई प्लस आर, अब है 180 प्लस आई प्लस आर। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 180 प्लस, क्योंकि आई और आर सेम होते हैं, इसलिए इसको आप चाहे तो लिख ले 2i, या इसी को आप लिख ले 180 प्लस 2r। तो आप देखें यहाँ पे ये जो माइनस साइन है और ये जो प्लस साइन है, ये दोनों ही होल्ड करता है, जिसको भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये आपको एंगल में जो डिफरेंस है, या एंगल हम कैसे या कौन सा बता दिए, ये समझ में आ गया, बता दीजिए बेटा। यस देखिए इसको अगर मैं समराइज कर दूं, इसको मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, और उसके बाद आगे हम अभी क्वेश्चन इसके ऊपर देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए हमने क्या करा है, ये बाउंड्री ले ली, ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये इंसिडेंट लाइट रे है, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, अब ये रिफ्लेक्ट हो गया ऐसे। अच्छा, ये एंगल जो होता है, आप इसको या तो 2i कह लें, या आप चाहें इसको 2r कह लें। तो हमने डेविएशन ऐसे से देख लिया, डेविएशन में हमने हमने स्टार्टिंग में जो कल देख लिया था वो डेविएशन ये था, ये डेविएशन का जो फॉर्मूला आया था वो था 180, 180 माइनस 2i, या ये था 180 माइनस 2r। और अगर आप ये डेविएशन के थ्रू बताना चाहें, ये वाला डेविएशन जिसको हमने डेल्टा डैश कहा है, तो डेल्टा डैश ये हो जाएगा 180 प्लस 2i, या 180 प्लस 2r। ये बेटा ये दोनों ही डेविएशन हमारे काम के हैं, लेकिन हम इसमें जो ऊपर वाला डेविएशन है, ऊपर वाले डेविएशन से मेरा मतलब ये है कि जो ये वाला डेविएशन, ये वाला, इस वाले को हम अक्सर यूज करते हैं। ठीक है, बताए बेटा यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा, अब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसमें आप लोगों को बेटा दिख जाएगा, एक साथ बेटा अगर आ जाते तो सही रहता, बहुत सारे बच्चे अब जुड़ रहे हैं तो उनको एडमिट करने में भी टाइम लगेगा। चलो बेटा यहाँ तक सबको क्लियर है डेविएशन क्या होता है, अभी हम इसको यूज करेंगे तो आगे बता पाएंगे। बताओ बेटा यहाँ तक सबको सही है? सर। चलो अब बेटा हम आते हैं मुद्दे की बात पे। देखिए मैं आपको पहले से एक बात क्लियर कट कर दूं कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में, लेकिन अगर हम प्लेन मिरर को अपने सिलेबस के हिसाब से देखें तो बेटा हमारे सिलेबस के हिसाब से प्लेन मिरर से बहुत कम आता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि प्लेन मिरर को पढ़ने से ही हमारा कॉन्फिडेंस आता है, इसीलिए हम प्लेन मिरर को थोड़ा सा पढ़ लेंगे, पढ़ के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अगर हम ऑप्टिक्स में इंपॉर्टेंस की बात करें कि कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, तो हमारा एरिया इंपॉर्टेंट है स्फेरिकल मिरर, उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहें तो लेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहां तक आपको कॉन्फिडेंस अगर लाना है तो उस कॉन्फिडेंस के लिए एक बात की जरूरत होगी, और वो जरूरत इस बात की होगी कि आप प्लेन मिरर को जानते हो। तो प्लेन मिरर का जो कॉन्सेप्ट होगा वो ज्यादातर इस बात को लेकर होगा कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, और आगे की जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं प्लेन मिरर भी कभी कभी आ जाएगा, तो उस प्लेन मिरर के क्वेश्चन को वहां पे भी सॉल्व कर पाना। तो इसलिए हमारा जो प्लेन मिरर है इंपॉर्टेंट है, बाकी ये एज इट इज आपसे पूछा इतना ज्यादा नहीं जाता। ठीक है, तो आगे अगर बढ़े तो आगे हम बात कर लेते हैं इसी प्लेन मिरर की। सही बेटा, तो आते हैं बात करते हैं प्लेन मिरर की। तो ये हमारे वैसे टॉपिक का पार्ट है, मतलब हमारे सिलेबस का पार्ट है प्लेन मिरर। सही है, अब प्लेन मिरर में हमको क्या पढ़ना है? तो देखिए बेटा प्लेन मिरर में हमको ये सब पढ़ना है कि भाई इमेज कैसे इसमें बनेगा। पहली बात तो इसमें ये देखना है कि इमेज कैसे बनेगा। अब उसमें हम रे डायग्राम वगैरह या कुछ प्रॉपर्टी करके देखेंगे तो हम बता पाएंगे हाँ इस तरीके से इमेज बनता है। तो पहला आपको इमेज देखना होगा, दूसरा आपको देखना होगा बेटा डिफरेंट। हाँ बेटा, किसी कोई प्रॉब्लम बेटा, शादी कोई समस्या बताएं? देखिए सर वीडियो चल नहीं पा रही थी सर, अब चल रही है। आज के लिए बेटा मैंने क्या करा है, एक तो चल नहीं पा रही वो है, आज मैंने ये जो वीडियो है उसको रिकॉर्ड भी करना है, उसमें साउंड भी आ रहा है, तो इसको मैं आज भेज दूंगा, इसका टेंशन ना लीजिएगा ना। तो अब सही है बेटा सादिक? सादिक बेटा सही है? जी सर अब सही है। अच्छा, और बेटा किसी को दिक्कत तो नहीं है? नहीं
चलो तो बेटा, हम जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम प्लेन मिरर पढ़ेंगे और प्लेन मिरर में ये सब कुछ पॉइंट्स होंगे। तो पहला हमने बताया कि इमेज के बारे में बात करेंगे, भाई प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्या होगा वगैरह वगैरह। दूसरी बात हम इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ इमेजेस को काउंट करेंगे, ये भी एक टॉपिक इसमें आएगा। तीसरा हम देखेंगे एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का, ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज ये देखेंगे। और अगर हमारे पास टाइम मिला तो हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज। इतना बेटा हमारे टॉपिक में है, इतना कुछ हमको टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, तो अब एक एक देख के, एक एक पॉइंट जो है देख के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई ये प्लेन मिरर होता क्या है। ठीक है, तो प्लेन मिरर में हम क्या करते हैं बेटा, हम एक स्लैब लेते हैं ग्लास का। जैसे मैंने ये स्लैब लिया है, ग्लास का स्लैब। ग्लास का स्लैब जो होता है एक्चुअली ऐसा कुछ होगा, आप समझ पा रहे हैं। स्लैब कहते हैं किसको बेटा, अगर आप समझें तो ये जो आपको लेंथ दिख रहा है ये है लेंथ, लंबाई जिसको कहते हैं, ये है विड्थ, इसको चौड़ाई कहते हैं, और इसको जो बेटा आप देख पा रहे हैं इतना, इसको हम कहते हैं थिकनेस। तो जहां पे आपको लगे, जहां पे आपको ये लगे कि भाई जो थिकनेस टी है वो एल और बी इन दोनों से बहुत कम है, तो ऐसे क्यूबॉइड को, ऐसे घनाभ को हम नाम दे देते हैं स्लैब। तो आपके सामने जो स्लैब दिख रहा है, उस स्लैब की अगर हम बात करें तो स्लैब में खासियत ये है कि स्लैब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस क्यूबॉइड में थिकनेस टी बहुत कम है। अब हम करते क्या है बेटा, यहाँ पे हमारे पास दो सरफेस हो जाते हैं, अगर देखे तो एक ये सरफेस और एक ये सरफेस, दो सरफेस है। आप किसी भी तरफ पेंट कर दीजिए, जैसे मान लो मैं इस तरफ पेंट कर देता हूँ, इस तरफ मैंने पेंट कर दिया, इस तरफ पेंट कर दिया, तो इस तरफ जब पेंट कर दिया तो नीचे हुआ पेंटेड साइड, ऊपर जो है पेंट नहीं है, ऊपर चमकदार सरफेस है। तो इस समय जो आपको स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को हम दिखाते कैसे हैं, जैसे इसी को मुझको अगर दिखाना हो कि ये कैसे दिखेगा, इतना बड़ा बड़ा बार बार तो बना नहीं पाएंगे, तो हम क्या कर देते हैं, कैसे लाइन खींच देते हैं और एक तरफ पेंट दिखा देते हैं, जिस तरफ हमारा स्लैब पेंटेड है उस तरफ दिखा देते हैं। ऐसे करके हम प्लेन मिरर को दिखाते हैं। सबको मालूम है कि अगर ये प्लेन मिरर है तो इसमें ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड, इसको हम कहते हैं पेंटेड साइड। पेंटेड साइड, पेंटेड साइड क्यों, क्योंकि इधर पेंट कर दिया है। और इधर की बात करें तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग साइड। कौन सा साइड, रिफ्लेक्टिंग साइड। तो रिफ्लेक्टिंग साइड का मतलब कोई भी अगर आपको ऑब्जेक्ट रखना होगा तो आप रिफ्लेक्टिंग साइड में रखेंगे, इससे लाइट रे जाएगी हमारे प्लेन मिरर पे और इमेज का फॉर्मेशन होगा। कभी भी हम ऑब्जेक्ट इस तरफ नहीं रखते हैं क्योंकि पेंटेड साइड से लाइट रेज मिरर तक नहीं पहुंच पाता। तो ये हमने देखा कि भाई मिरर कैसे बनाते हैं, एक स्लैब ले लेते हैं, एक स्लैब ले लेते हैं, एक तरफ हम उसको पेंट कर देते हैं, दूसरी तरफ खुला छोड़ देते हैं, तो ये प्लेन मिरर बन जाता है। प्लेन मिरर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सीधी लाइन खींचते हैं, एक तरफ उसके हम पेंट कर देते हैं, दूसरी तरफ खुला छोड़ देते हैं। पेंट करने वाले साइड को पेंटेड साइड कहते हैं, खुला हुआ जो साइड होता है उसको रिफ्लेक्टिंग साइड कहते हैं, और इस तरीके से मिरर बन जाता है। मिरर को यूज करने के लिए हमेशा ही हम रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ ऑब्जेक्ट रखते हैं, कभी भी हम पेंटेड साइड की तरफ ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं। तो बताए बेटा, यहां तक सबको क्लियर हो गया कि भाई प्लेन मिरर क्या होता है? सर सबको क्लियर है प्लेन मिरर क्या होता है? ओके, हाँ सर, चलो, बहुत आवाज कट वट के रुक रुक के आ रही है। चलो तो आप देखिए बेटा, ये डियर किसी का एनोटेशन फिर से स्टार्ट हो गया बेटा। कलाकारी ना करा करें, ये जो कलाकारी है उसको ना करा करें क्योंकि इससे दिक्कत होती है। जैसे आप ये बेटा, आपको एक बात मालूम है, ये जो करते हैं वो मुझको दिखता है, बेटा सबको मेरी आवाज पहुंच रही है? सर ये एनोटेशन वगैरह क्यों करते हैं? यस हाँ, ये एनोटेशन वगैरह मत करा करिए। चलिए, तो पेंटेड साइड और रिफ्लेक्टिंग साइड में देख लिया। अब हम देखें यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है हम प्लेन मिरर के सामने रखेंगे और उससे इमेज बनाएंगे। तो हेडिंग हम लिख लेते हैं कि भाई हमारा किस हेडिंग में इसको पढ़ना है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन। देखिए बेटा, अभी तो मैं इस प्लेन मिरर को ऐसे पढ़ा दे रहा हूँ,
लेकिन आगे मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट बताऊंगा आगे, मतलब जब ये प्ले मिरर खत्म हो जाएगा कि इमेज हम कैसे कैसे बनाते हैं। तो बेटा आप जब इमेज बनाएंगे तो आप देखिए दो तरीके देखेंगे। पहला तरीका ये होगा रे डायग्राम का यूज करेंगे, आप किसका यूज करेंगे, रे डायग्राम का। और दूसरा तरीका होगा फॉर्मूले का यूज। अब जाहिर सी बात है सब लोग फोटो बनाने में इतने अच्छे तो होते नहीं, तो हम क्या करेंगे शुरुआत में तो रे डायग्राम देखेंगे, जैसे अभी मैं आपको जो इमेज बनाऊंगा वो रे डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा, लेकिन बाद में हमारा डिपेंडेंसी फॉर्मूले पे ज्यादा हो जाएगा। तो दो तरीके होंगे बेटा इमेज फॉर्मेशन के, पहला होगा रे डायग्राम का यूज और दूसरा किसका यूज, पहला किसका होगा रे डायग्राम का यूज और दूसरा किसका होगा फॉर्मूले का यूज। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे रे डायग्राम का यूज करेंगे और मैं आपको रे डायग्राम का यूज करके बताऊंगा कि इमेज कैसे बनता है। अब इमेज बनाने के प्रोसेस में आपको बेटा कुछ स्पेसिफिक रेज के बारे में पहले से मालूम होता है कि भाई ऐसे जब रे गिरेगा तो क्या होगा, वैसे जब रे गिरेगा तो क्या होगा। अच्छा इमेज बनाने के लिए कम से कम कितनी रेज चाहिए होती है, इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रेज चाहिए होती है, क्योंकि अगर दो रेज रिफ्लेक्ट होंगी तभी वो एक दूसरे को कट कर सकती हैं, तभी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं। इंटरसेक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि इंटरसेक्शन जब होगा रिफ्लेक्टेड रेज का तो वहीं पे हमारा क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी क्या है कि कम से कम दो रेज हो जिनका रिफ्लेक्शन हो। तो हमको कम से कम दो रेज का नेचर मालूम होना चाहिए कि भाई दो रेज जब ऐसे स्पेसिफिक कंडीशन में हमारे मिरर पे गिरेंगे तो उनका रिफ्लेक्शन कैसे होगा। ठीक है, आगे इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे बेटा मैं इमेज फॉर्मेशन कर रहा हूँ, और सबसे पहले जो मैं ऑब्जेक्ट को यूज करूंगा, जिसमें ऑब्जेक्ट का यूज करूंगा वो होगा पॉइंट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट होगा बेटा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऐसा ऑब्जेक्ट जो पॉइंट के फॉर्म में हो, जिसका लेंथ वेंथ कुछ ना हो, हाइट लेंथ थिकनेस कुछ ना हो, केवल पॉइंट के फॉर्म में वो दिख जाए, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे मैंने कंडीशन लिया, यहाँ पे मैंने लिया एक भाई हमारा मिरर है, ये प्लेन मिरर है, इसको मैंने वर्टिकली रख दिया है ऐसे। ठीक है, अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट हम किस तरफ रखेंगे, तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट इसके रिफ्लेक्टिंग साइड में रखेंगे। तो आपके सामने ये जो दिख रहा है ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी से हमको इमेज बनाना है। ठीक है, अब इमेज बनाने के लिए हमको कुछ स्पेसिफिक टाइप की रेज जो है वो मालूम होनी चाहिए। देखो मैंने कुछ स्पेसिफिक टाइप की रेज में पहला जो रे डाला इस पे वो ऐसा डाला, इस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर, आप देख पा रहे होंगे प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर पहला रे ऐसे आया, और जो दूसरा रे है वो मैंने जो है व्हाइट कलर का खींचा और वो ऐसे गया। ये मैंने दो टाइप के रेस का यूज किया। अब देखो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये जो ऑरेंज कलर की लाइट रे है, याद होगा कल के दिन हमने एक स्पेशल रिफ्लेक्शन पढ़ा था, उस स्पेशल रिफ्लेक्शन का नाम क्या था, उस स्पेशल रिफ्लेक्शन का नाम था नॉर्मल रिफ्लेक्शन। तो हमने क्या देखा था, जब भी कोई लाइट रे जो कि आपको ऑरेंज कलर की दिख रही है किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि आपको प्लेन मिरर दिख रहा है उस पे नॉर्मल इंसिडेंट होती है, तो जिस रास्ते से आई होती है उसी रास्ते पे लौट जाती है। देखो ऐसे रास्ते पे लौट जाएगी, ये ऑरेंज वाली लाइट रे ऐसे रास्ते पे चली जाएगी। अच्छा दूसरी वाली लाइट है जो व्हाइट कलर की, उसका क्या होगा, तो हमने वहां पे ये पढ़ा है कि भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखो कैसे होगा, मैंने जो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग साइड है उसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस परपेंडिकुलर को मैंने एन लिख दिया। भाई ऐसा क्यों, क्योंकि जो येलो कलर का मिरर देख रहे हैं, जो येलो कलर का मिरर है वो मिरर बेसिकली बाउंड्री है, तभी तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो पा रहा है। तो देखो आप रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करोगे, आपका इंसिडेंस जो हुआ है वो एंगल आई पे हुआ है। बेटा ये बार बार अगर आप ऐड होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, दो लोग वेट कर रहे हैं अभी। बेटा यहां तक क्लियर है सबको, ये कलर तो आराम से दिख जाता है ना जब मैं कलर के ऊपर बोलता हूं। हाँ। यस सर। तो बेटा यहाँ पे जो मैंने अभी दूसरा लाइट रे लिया है जो व्हाइट कलर का है, आपको जो दिख रहा है व्हाइट कलर का, वो आया मैंने नॉर्मल खींच दिया अपने प्लेन मिरर पे, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया जाएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे फॉलो किया जाएगा कि जितना एंगल नॉर्मल से बनाते हुए हमारा लाइट रे आया है उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा ऐसे। और ये एंगल अगर आप देखें तो ये एंगल भी रिफ्लेक्टिंग एंगल होगा, किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। तो आप देखिए आपने दो लाइट रेस की बात करी, रिफ्लेक्टिंग लाइट रेस कौन है, एक तो ये है और दूसरा ये है। अब इन लाइट रेस को बात करें तो इनको किधर मिलना चाहिए, तो ध्यान से देखें बेटा इनको इधर जा रहे हैं तो इधर मिलना चाहिए कहीं, लेकिन क्या ये इधर मिल पाएंगे, तो नहीं। देखें इन दोनों ही लाइट रेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है,
तो हमको बेटा क्या करना पड़ेगा, इनको मजबूरी में पीछे मिलाना पड़ेगा। मिलाते हैं इनको पीछे, तो मिलाते हैं, मिलाने के लिए देखें मैंने इसको एक्सटेंड करा, इस लाइट रे को एक्सटेंड करा, ये जो ग्रीन वाला लाइट रे है उसको एक्सटेंड करा, एक्सटेंड करके हमने यहाँ पे मिला दिया, और जहां पे मिलता है वहीं पे क्या बन जाता है बेटा, इमेज। तो आप देखिए बेटा यहाँ पे मैंने इमेज बनाया, और इस इमेज को बनाने के लिए मैंने किसका यूज किया, रे का, रे का, और उस एक डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, इसलिए इस मेथड को हम कहते हैं रे डायग्राम ट्रेसिंग। और रे डायग्राम ट्रेस करके यानी रे डायग्राम बना के हम किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या बना लेते हैं, इमेज। क्लियर बेटा? अब ये जो इमेज बना है, इस इमेज में खासियत है, इस इमेज की प्रॉपर्टी दिखेगी, इस प्रॉपर्टी को जरा समझते हैं बेटा। ये सबको समझ आ गया कि मैंने इमेज कैसे बनाया? अब जी देखें, आप बताते रहेंगे बेटा, आप बताते रहेंगे, कुछ पूछना होगा तो आप तुरंत मुझसे पूछ लेंगे, वो जरूरी है, नहीं तो फिर कुछ फायदा नहीं सर, होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इमेज बना दिया। अब बेटा जी जरा ध्यान से सर, देखना, इस इमेज में जो इमेज मैंने बनाया है उसमें कुछ खासियत, जरा खासियत देखें। मैंने क्या करा बेटा, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने कहा ए, और ये वाला जो पॉइंट जहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ था उसको कहा बी। अब बेटा आप देखिए, आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, जरा ट्रायंगल देखें, एक ट्रायंगल होगा ओ ए बी, ओ ए बी, और दूसरा ट्रायंगल दिख रहा होगा वो होगा आई ए बी, आई ए बी। बेटा ये सबको ट्रायंगल दिख रहे हैं दोनों? यस सर, अच्छा, ये यस ट्रायंगल, सर, हाँ ये ट्रायंगल बेटा कॉन्ग्रेंट है, इसको हम कहते हैं हिंदी में सर्वांगसम। अब कहेंगे सर्वांगसम कैसे, तो जरा देखें, मैं यहाँ पे दो एंगल और एक साइड को बराबर करता हूँ। जरा देखें, ए बी साइड जो आपको दिख रहा होगा, ए बी साइड, ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। देखें जरा, ए बी साइड जो है दोनों ही ट्रायंगल में आता है, नहीं आता है? आता है, तो ये हो गया कॉमन दोनों में, सही है। अब दूसरा देखें, दूसरा अगर आप ये एंगल देखें, जो एंगल है हमारा बी ए ओ एंगल, बी ए ओ जो कि 90 डिग्री है, अगर आप यहाँ पे देखें बी ए ओ, तो ये है एंगल 90 डिग्री, दिख रहा है बेटा सबको? और दूसरा 90 डिग्री एंगल ये दिख रहा होगा जिसका नाम होगा बी ए आई, दोनों ही 90 है, तो मैंने लिख लिया बी, सॉरी बी ए आई, ये दोनों ही एंगल बराबर है। और एक खास बात देखना जरा, देखिए जरा, ये जो आपको लाइन दिख रही है ये वाली, और ये ओ ए वाली जो लाइन है, ये दोनों पैरेलल हैं, और ये जो लाइट इंसिडेंट हुआ था वो उसको कट कर रहा है, तो आप जानते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, तो ये भी एंगल सेम हो जाएगा, और अगर ऐसा है तो ये वाला भी एंगल सेम हो जाएगा आई, तो आई आपको तो सेम दोनों में ही दिख रहा होगा, तो इसलिए ट्रायंगल में ये बी ओ ए और ट्रायंगल में बी आई ए, ये दोनों ही एंगल बराबर है। तो बेटा जब भी आपको लगे कि दो एंगल एक साइड बराबर हो जाते हैं ट्रायंगल्स के, तो दोनों कॉन्करेंट हो जाते हैं। तरीका ये होता है कि या तो दो एंगल दो एक साइड दिखा दें, या दो साइड एक एंगल दिखा दें ना, या तो जो है तीनों साइड बराबर दिखा दें, तो ऐसे केस में हम कॉन्करेंट ट्रायंगल की बात करते हैं। बेटा अगर आपको ये नहीं समझ में आया, ये थोड़ा मैथमेटिकल टर्म हो गया, तो इसमें कोई टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि मुद्दे की बात जो है वो यहाँ पे हमको देखना है। देखिए बेटा, अगर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो जाता है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो जाता है, तो फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि सभी लेंथ, सभी साइड, सब बराबर होते हैं, एंगल भी बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझको पहली प्रॉपर्टी तो ये दिखी कि आप देखें, अगर ये लेंथ अगर डी है, कौन सा लेंथ, ओ ए, तो आप देखें दूसरे ट्रायंगल का ये लेंथ भी सेम होगा, ए आई, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हमको ये मिली, पहली प्रॉपर्टी क्या मिली कि भाई ओ है हमारा ऑब्जेक्ट, हमारे प्लेन मिरर से जितना दूर सामने ऑब्जेक्ट रखा होगा उतना ही दूर पीछे यानी उल्टी साइड में हमारा क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा। ये बेटा आपको दिख पा रहा है? बताए बेटा, आप देख रहे हैं ये ओ ए लेंथ और ए आई लेंथ जी बराबर है, सर, तो हमने प्रॉपर्टी क्या जी देखी, सर, ऑब्जेक्ट ओ हमारे प्लेन मिरर के सामने रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट ओ का डिस्टेंस है डी, उतना ही डिस्टेंस इमेज का हो गया लेकिन दूसरी साइड में, वो भी आपको दिख रहा है डी। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहता है बेटा कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही एक तो अपोजिट साइड में होंगे प्लेन मिरर के, और दूसरा खासियत क्या होगा कि जितना दूर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के आगे रखा होगा उतना ही दूर इमेज प्लेन मिरर के पीछे दिखेगा। तो पहली खासियत ये हमने देख लिया बेटा, मैं इनको सबको समराइज कर दूंगा। तो एक तो ये हो गया, दूसरा आप अगर ध्यान से देखें तो बेटा ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज को एक लाइन मिला रही है जिस लाइन का नाम है ओ ए आई। ये जो लाइन है ओ ए आई, ये लाइन
के ऊपर ऑब्जेक्ट भी आता है, इमेज भी आता है, और एक खास बात है कि ये लाइन हमारे प्लेन मिरर से कितना एंगल बनाती है भाई, 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हुआ कि ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा ही एक लाइन पे आते हैं, और ये जो लाइन होता है वो हमेशा प्लेन मिरर से कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। दो प्रॉपर्टी हमने देख ली। एक खास बात और देखें, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा होगा, रियल, क्योंकि यहाँ से लाइट एक्चुअल में निकल रही है, लेकिन इमेज कैसा दिख रहा है, वर्चुअल। तो आप एक खासियत पाएंगे कि जब हम प्लेन मिरर लेंगे तो आपको ये खासियत दिखेगा। अगले पेज में इसको मैं लिख लेता हूँ। जब भी आप प्लेन मिरर लेंगे तो आप एक खासियत देखेंगे, और खासियत ये होगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा ही उल्टे टाइप के बनते हैं। कैसे कैसे? अगर मैं ऑब्जेक्ट को रियल लिया, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, तो इमेज होगा वर्चुअल, और अगर ऑब्जेक्ट आपने वर्चुअल लिया तो इमेज क्या हो जाएगा, रियल, उल्टा बनता है। बेटा ये खासियत सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि नेचर दोनों का अलग अलग होता है। जो ऑब्जेक्ट और इमेज होते हैं उनका नेचर थोड़ा सा अलग अलग होता है। एक अगर रियल होता है तो दूसरा वर्चुअल हो जाता है, और एक वर्चुअल है तो दूसरा रियल हो जाता है। बेटा इतनी प्रॉपर्टी आपने देख ली, इन प्रॉपर्टी को मैं एक बार फिर से आपके सामने रख देता हूँ। देखिए पहले हमने प्रॉपर्टी ये पढ़ी कि जब भी कोई प्लेन मिरर होगा तो उसके सामने अगर आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, और ये ऑब्जेक्ट मान लो डी डिस्टेंस दूर है प्लेन मिरर से, ये डिस्टेंस है डी, तो जो इमेज होगा बेटा वो उल्टी साइड में बनेगा, कभी भी ऑब्जेक्ट की साइड में नहीं बनेगा, उल्टी साइड में बनेगा, और उसका प्लेन मिरर से जो डिस्टेंस होगा वो भी सेम होगा, कितने बराबर होगा, डी। अब देखें ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रंट में है, तो इमेज जो है वो बैक में। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों एक जो है साइड में हो जाए, दोनों ही आगे हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा, अब ये जो ओ आई लाइन देख रहे हैं ये प्लेन मिरर से कितना एंगल बना रहा है भाई, 90 डिग्री, आप देख पा रहे होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने क्या दिखाई कि ये जो ऑब्जेक्ट है अगर वो रियल हुआ तो इमेज वर्चुअल हो जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल हो जाएगा। क्लियर बेटा? तो यहां तक बताया बेटा, किसी को कोई समस्या? नो सर। क्लियर है बेटा सबको? जी सर। हाँ बेटा, किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं। क्योंकि यही प्रॉपर्टी का यूज करके हम आगे बातें करेंगे। किसी को कुछ पूछना है इसमें? ऑब्जेक्ट से रियल? हाँ बेटा देवेंद्र, तुम्हारी आवाज थोड़ी सी नहीं आई। सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट से तुम कह रहे हो रियल इमेज कैसे बनेगी? यही तो देख बेटा आपके, हाँ ठीक है बेटा। तो एक स्टूडेंट है कि भाई वो तो ठीक है कि आपने बता दिया कि ये जो रियल ऑब्जेक्ट है उससे वर्चुअल इमेज बन जाएगा, जैसा कि हमने अभी भी फिगर में देखा। ये कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज कैसे बनेगा, तो जरा वो देख लो कैसे बनेगा। उसके लिए देखो बेटा, देखो मैंने क्या करा, मैंने एक प्लेन मिरर ले लिया, ठीक है। इस प्लेन मिरर पे मैंने लाइट इंसिडेंट कराई, जरा वो देखो कैसे इंसिडेंट कराई, ऐसे ऐसे करें। देखो बेटा लाइट किधर से किधर इंसिडेंट हो रही है, इधर से इधर, ठीक है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट किस तरफ होगा, ऑब्जेक्ट इस तरफ होगा, लेकिन पीछे अगर आप ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए मिलाओगे तो ये लाइट रेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पीछे तो नहीं बढ़ा मिल पाएंगे, ये आगे मिल पाएंगे। तो ये चूंकि इंसिडेंट लाइट रे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब बताओ बेटा देवेंद्र की ऑब्जेक्ट रियल या वर्चुअल? वर्चुअल। वर्चुअल। अब जरा देखो इसे इमेज बनाते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज को देखते हैं। देखें ये जो ऊपर वाली लाइट रे है रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी, और जो नीचे वाली लाइट रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी। बताओ बेटा सही है? अब यहाँ पे क्या लग रहा है कि रियल में कट कर रहा है, हाँ, तो इसलिए यहाँ पे इमेज बन जाएगा। अब जरा ऑब्जेक्ट को देखो, ये रियल या वर्चुअल? वर्चुअल। 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 तो इमेज इमेज कैसा हुआ? रियल। तो बेटा ये दूसरी, हाँ ये दूसरा आपको वर्चुअल अगर ऑब्जेक्ट है तो रियल इमेज बनेगा, ये क्लियर हुआ? अब देखो इतना कुछ कर लिया तो रियल में आपको फिर से दिखा दूं। देखो ये मान लो प्लेन मिरर है, ये है प्लेन मिरर, ये है ऑब्जेक्ट, यहाँ से देखो लाइट रेज रियल में गई ना, तो इंसिडेंट लाइट रियल में कट कर रही है, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा हुआ बेटा, रियल। और जब ये रिफ्लेक्ट होगी देखो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, पीछे मिलाओगे पीछे मिलाओगे तो जहां पे मिलेगा वहां पे इमेज बनेगा, और ये कैसा बनेगा, वर्चुअल।
सही बेटा। अच्छा दोनों में एक खास बात देखना, दोनों में एक खास बात देखना, पहले फिगर में ऑब्जेक्ट था, इमेज था लेफ्ट साइड में, तो ऑब्जेक्ट किस तरफ हुआ, राइट साइड में, दोनों एक साइड में नहीं आए, इमेज आगे फ्रंट में है और ऑब्जेक्ट पीछे है बैक साइड में, दोनों एक साइड में नहीं आए। इसमें ये मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट आगे होगा पीछे होगा, इससे मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट जिस तरफ होगा इमेज हमेशा उसके उल्टी साइड बनेगा। और ये पहले फिगर में जरा देखो, इस पहले फिगर में जो मैंने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर आप देखो तो फ्रंट में है, तो इमेज जो बना वो किस तरफ बना, बैक में। तो ये ऑब्जेक्ट और इमेज जो है हमेशा ही आइदर साइड में बनते हैं। बताओ बेटा आप क्लियर है इसमें? सर अच्छा, और बेटा किसी को कुछ पूछना है इसमें, नहीं सर कोई है जिसको कोई नहीं दिक्कत? सर चलो आगे बढ़ते सर बेटा। हाँ आगे बढ़ते हैं। हाँ सर बेटा जो इमेज बनती है वो बड़ी है जो ऑब्जेक्ट है उससे या छोटी, ये कैसे पता चलता है? बेटा देखो, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट का कोई साइज नहीं, मैंने अभी ऑब्जेक्ट को कैसा बताया था बेटा, याद है? ऑब्जेक्ट को मैंने क्या बताया था, कोई साइज का पॉइंट है या पॉइंट ऑब्जेक्ट है? पॉइंट पॉइंट। तो भाई ऑब्जेक्ट का कोई साइज ही नहीं। अच्छा मैं एक बात बता दूं, आगे मैं भी इसी को बताऊंगा, जब साइज वाइज की बात करेंगे तो वहां पे मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। मैं तुमको अभी आगे मैग्निफिकेशन तो बताया ही नहीं हूँ, आगे बताऊंगा जब स्फेरिकल मिरर आएगा, तब तक थोड़ा सा वेट करो, इस बात को मैं बताऊंगा अभी। लेकिन अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें कोई साइज का मतलब ही नहीं होता। आगे मैं आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट के बजाय एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रख के दिखाऊंगा, फिर वहां पे हम साइज को थोड़ा सा चेक करेंगे और उल्टा सीधा को चेक करेंगे, और ये उल्टा सीधा साइज के बारे में बताना आगे किससे बताया करेंगे, मैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ठीक है ओके बेटा? हाँ ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं। अभी तो हमने देख लिया कि पॉइंट ऑब्जेक्ट के साथ प्रॉपर्टी क्या है, अब हम पॉइंट ऑब्जेक्ट के आगे बढ़ेंगे और देखेंगे भाई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के साथ प्रॉपर्टी क्या है। अच्छा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के साथ प्रॉपर्टी बनाने के लिए मैं कोई रे डायग्राम नहीं प्लॉट करूंगा, पीछे जो भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है उसी का कॉन्सेप्ट यूज कर लूंगा। पीछे मतलब जो अभी हमने प्लेन मिरर की बात करी है। तो देखो अगला हेडिंग हमारा है इसी में, छोटा सा हेडिंग, कि भाई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनेगा। तो हमने लिखा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड मतलब जो फैला हो, पॉइंट कम से कम ना हो। तो देखो मैंने क्या करा, इसमें एक प्लेन मिरर ले लिया, ये है प्लेन मिरर, ठीक है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। तो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे ले लेते हैं, ऐसे एरो के फॉर्म इसलिए ले लेते हैं कि भाई इससे हम बता पाए कि इसका साइज कैसा है और ये उल्टा हुआ या नहीं उल्टा हुआ, तो इस तरीके से। अब देखिए बेटा, ए बी का कुछ साइज है, ये पॉइंट नहीं है, जिसका कुछ साइज हो उसको हम कहेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता हूँ, वो कैसे बनाऊंगा? तो देखो बेटा, ये जो आप देख रहे हो ना पॉइंट ए और ऊपर देख रहे हो पॉइंट बी, ये है तो दोनों पॉइंट, अगर मैंने इनका इमेज बना लिया तो इनके भीतर के पूरे जो बॉडी होगा उसका इमेज अपने आप बन जाता है। तो जरा इनका इमेज बनाते हैं, देखें कैसे। देखो ए का अगर इमेज बनेगा तो ए का इमेज किस लाइन पे होगा, तो आपको याद है बेटा प्रॉपर्टी कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो पॉइंट वाले होते हैं वो हमेशा ही एक लाइन पे आते हैं। जरा देखो लाइन कौन सा होगा, मैंने ए से पास होने वाली और अपने प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन प्लॉट कर ली, तो भाई ए का जो इमेज होगा वो इसी लाइन के ऊपर आएगा, और कितनी दूर पे आएगा, आपने याद होगा देखा था कि जितना दूर हमारा ऑब्जेक्ट होता है प्लेन मिरर से उतना ही दूर पीछे हमारा क्या बन जाता है, इमेज। तो देखो बेटा ए का जो इमेज होगा वो यहाँ पे बन जाएगा। ये तरीका बेटा समझ में आया सबको? मैंने दो प्रॉपर्टी का यूज किया जी कि सर पॉइंट का जो इमेज होगा वो इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर आएगा, और जितना दूर आगे ऑब्जेक्ट रखा है उतना ही दूर पीछे इमेज बनेगा, ठीक है। अब देखो बी का इमेज बनाता हूं, तो बी का इमेज बेटा ऐसी वाली लाइन पे आएगा। ये जो लाइन है मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन हमारे प्लेन मिरर से 90 डिग्री बना रहा है, और जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा यानी जितना दूर हमारे प्लेन मिरर से बी होगा उतना ही दूर पीछे की तरफ हमारा क्या होगा, उतना ही दूर हमारा पीछे की तरफ इमेज होगा। तो देखो बी का इमेज बी डैश बन गया, ए का इमेज ए डैश बन गया, अब इन दोनों को मिला दो तुम्हारा क्या बन जाएगा, तुम्हारा बन जाएगा इमेज। तो देखो ये जो था ये था ऑब्जेक्ट, और ये है, ये क्या है, इमेज, ठीक है बेटा। तो सबको समझ में आ गया कैसे ऑब्जेक्ट का इमेज यस बना? सर अब बेटा जरा देखो ध्यान से, आप अगर देखो तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों जो व्हाइट वाली लाइन जो परपेंडिकुलर प्लेन मिरर पे ड्रॉ करी गई थी वो कैसी है, पैरेलल है, तो उनके बीच का लेंथ जो ए बी या ए डैश बी डैश है वो दोनों बराबर हो जाएगा।
इसका मतलब ए बी और ए डैश बी डैश ये क्या हो जाएगा इक्वल। और यहां से हमने एक प्रॉपर्टी और सीखी कि भाई ऑब्जेक्ट का जितना साइज होता है यानी जितना लेंथ होता है उतना ही साइज इमेज का होता है। जैसे आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज हाइट के फॉर्म में ए बी देख रहे हैं, इमेज का साइज हाइट के फॉर्म में ए डैश बी डैश देख रहे हैं, और दोनों ही क्या है बराबर है। एक और खास देखिए, बी इमेज में ऑब्जेक्ट में ऊपर है तो उसका इमेज भी ऊपर बना, और ए नीचे है तो उसका इमेज भी नीचे बना। ऐसे लोगों को हम कहते हैं सीधा इमेज बनना। जैसे अगर आप एरो वाले पार्ट को मुंह कह लो तो बी डैश जो हमारा इमेज का है उसका भी मुंह ऊपर है, और अगर ए को टेल कह लो तो हमारा ए डैश का टेल भी नीचे है। तो ऐसे केस में जो इमेज बनता है उसको हम कहते हैं कि सीधा इमेज है। भाई जैसा ऑब्जेक्ट दिखा मुंह ऊपर पैर नीचे, वैसा इमेज दिखा मुंह ऊपर पैर नीचे, ऐसे वाले इमेज को हम क्या कहते हैं इरेक्टेड इमेज। एक सेकेंड थोड़ा सा तो बेटा यहाँ पे जो इमेज होता है वो हमेशा ही सीधा बनता है, आपको दिख रहा होगा कि सीधा है। तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी हमने देखी कि भाई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जब लेते हैं तो उसकी खासियत क्या होती है, जितना दूर आगे हमारे प्लेन मिरर से रखी गई होती है इमेज उतना ही दूर पीछे बनता है, और दोनों का साइज सेम होता है। अच्छा कुछ लोग पूछते हैं कि इन्वर्टेड होगा या इरेक्टेड होगा। इन्वर्ट मतलब उल्टा, इरेक्ट मतलब सीधा। तो कैसा इमेज यहाँ पे बेटा हमने बनाया, सीधा। इसको इंग्लिश में कहते हैं इरेक्टेड इमेज। तो यहाँ पे कैसा इमेज बना बेटा, इरेक्टेड इमेज। लेकिन क्या ये हमेशा होता है, तो बेटा ये हमेशा नहीं होता। जरा एक और फिगर देखें, मैंने एक प्लेन मिरर बनाया, ठीक है। अब इस प्लेन मिरर के आगे मैंने ऐसे ऑब्जेक्ट रख दिया, ऐसे आप देख पा रहे होंगे बेटा अभी और पहले में अंतर है। पहले मैंने प्लेन मिरर के पैरेलल रखा था, और अभी जो ऑब्जेक्ट रखा वो प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर। अब बेटा इसका हम इमेज बनाते हैं, तो देखिए कैसे बनाएंगे। ए और बी से पास होने वाली वाली लाइन को हमने एक्सटेंड करा, जो कि आपको ये एक्सटेंशन दिख रहा होगा। इस प्लेन मिरर से जितना दूर बी है उतना ही दूर पीछे की तरफ बी का इमेज बनेगा बी डैश, और जितना दूर आगे ए है उतना ही पीछे बनेगा ए डैश। देखो इमेज कैसे बन गया ऐसे। अब देखो बेटा इस केस में आपका अगर ऑब्जेक्ट देखो तो उसका बी आगे था आगे, जबकि यहाँ पे अगर देखो तो वहां पे ए डैश आ गया, ए पीछे था यहाँ पे देखो बी डैश आ गया। तो ऐसे केस में इमेज को हम क्या कहते हैं उल्टा, इसको हम बोलते हैं इनवर्टेड। तो प्लेन मिरर से इनवर्टेड इमेज भी बनता है जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है। हाँ साइज की बात करें तो बेटा यहाँ पे साइज वही है, जो साइज है ए बी का वही साइज है ए डैश बी डैश का। तो साइज हमेशा सेम रहता है, अब आप कैसे रख रहे हो इसी से डिसाइड होगा कि आपका जो इमेज बनेगा वो सीधा बनेगा यानी इरेक्टेड बनेगा या उल्टा बनेगा इन्वर्टेड। जब भी आप प्लेन मिरर के पैरेलल ऑब्जेक्ट को रखते हो, जब भी आप प्लेन मिरर के पैरेलल ऑब्जेक्ट को रखते हो तो आपका इमेज हमेशा सीधा बनता है, लेकिन अगर आप प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर रखते हो तो इमेज हमेशा ही क्या बनता है उल्टा। बताओ बेटा ये उल्टा सीधा बनना सबको समझ आ गया। बहुत ज्यादा बेटा इसका टेंशन मत लीजिएगा आप इस वाले पार्ट का कि सीधा क्या है उल्टा क्या है। अभी मैं ये बताऊंगा अच्छे से जब ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, इस वाले टॉपिक में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बातें नहीं करते। तो मोटी मोटा जो हमने एक्सटेंडेड या पांच ऑब्जेक्ट के लिए कहानी सुन ली वो क्या है, तो भाई जितना दूर सामने ऑब्जेक्ट रखा होगा उतना ही दूर पीछे इमेज बनेगा। दूसरा ये सीखा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज उल्टे उल्टे साइड होंगे, एक तरफ ऑब्जेक्ट होगा तो दूसरी तरफ हमेशा इमेज बनेगा। और हमने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट रियल हुआ तो इमेज उल्टा वर्चुअल होगा, और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज उसका उल्टा कैसा होगा रियल होगा, ये उल्टा वाला हो जाएगा। अगर बात करें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में खासियत यह है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज हमेशा सेम होगा, चाहे जैसे भी आप रख लो। लेकिन अगर प्लेन मिरर के पैरेलल रखते हो तो इमेज हमेशा सीधा बनेगा, और अगर उल्टा रखते हो तो हमेशा जो है उल्टा मतलब परपेंडिकुलर रखते हो तो हमेशा उल्टा बनेगा। तो बेटा इसी को लेके किताब वाले ऐसे कुछ देते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे पी लिखा होगा, सॉरी मैंने पेन नहीं बदला, पी लिखा हुआ है ये उसका इमेज बनाते हैं। अब देखो उसका इमेज बनाएंगे, देखो इसकी जो डंडी है वर्टिकल वाली वो तो एकदम वैसे ही बनेगा, लेकिन देखो ये जो पी के आगे निकला हुआ पार्ट है वो परपेंडिकुलर है तो उसका इमेज ऐसे उल्टा बन जाएगा, ठीक है। तो आप देखो ऐसे करके इमेज बन जाता है, सही है। तो इसको तो प्रॉपर्टीज बता दोगे, देखो ये डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कम दिखा दोगे, अब ये डिस्टेंस ज्यादा है तो ये डिस्टेंस ज्यादा ऐसे दिखा दोगे, क्योंकि ये सब तो सेम रहना है। तो अगर ये D1 है तो इसको D1 रखोगे, और अगर ये D2 है
तो इसको D2 रखोगे तो इसमें कोई खास बात नहीं है, सही बेटा। सर। अगर आप इसी में सोचो, अगर इसी पे आप अगर S रख लेते, ऐसे S, तो इसका इमेज कैसे बनता? ऐसे बनता। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला पॉइंट पास में है, तो आप इसके करेस्पॉन्डिंग इमेज को पास में बनाते हैं, ये वाला उसी हिसाब से बना लेते हैं, जितना दूर ये है उतना दूर ये है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा दूर है, तो आप इसको थोड़ा सा दूर बना लो। ये बेटा बच्चों वाला है, कक्षा 9-10 तक तो पूछा जाता है, ये आगे नहीं पूछा जाता, फिर भी एक कॉन्सेप्ट है आपको ये थोड़ा सा मालूम। बेटा यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सही बेटा, सब एक बार जल्दी से सब बता दीजिए कि सब ओके है तो आगे सर। हाँ चलो, अब बेटा अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात में क्या होगा कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किन किन कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी उसकी बात। तो बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जिन कॉन्सेप्ट की बात होगी उसके लिए पहले तो हमने पढ़ लिया कि भाई क्या कॉन्सेप्ट होगा। एक कॉन्सेप्ट होता है फील्ड ऑफ व्यू का, पता नहीं आपने इसको पढ़ाया नहीं, नाम है फील्ड ऑफ व्यू, शॉर्ट में इसको कहेंगे FOV। किसने बेटा इसको पढ़ा है? नहीं सर। फील्ड ऑफ व्यू के बारे में कोई जानता है? नो सर। देख लो बेटा, ये फील्ड ऑफ व्यू का क्या कॉन्सेप्ट है बेटा। ये जो फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट है, जैसा उसके नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, फील्ड जो मतलब होता है, फील्ड जो आप देख रहे हैं इसमें, फील्ड मतलब होता है जगह, प्लेस ना, और व्यू मतलब दिखना। तो वो जगह है जहां पे दिखे, उस जगह को ही हम क्या कहते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। अब भाई अब देखना किसको है? तो देखना है आपको ऑब्जेक्ट को, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको इमेज को देखना है बेटा। फील्ड ऑफ व्यू दरअसल एक जगह होता है, ऐसा जगह जहां पे आपको जब ऑब्जेक्ट देखें तो ऑब्जेक्ट दिख जाए, या इमेज देखें तो आपको इमेज दिख जाए। ऐसे कुछ जगह होते हैं जहां पे आप खड़े होकर जब ऑब्जेक्ट को देखते हैं तभी दिखता है, या कोई ऐसा स्पेसिफिक जगह होता है जब आप वहां पे खड़े होकर देखते हैं तो आपको इमेज दिखता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको कभी भी इमेज नहीं दिखेगा बेटा। यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू ऑब्जेक्ट का भी होता है, इमेज का भी होता है, लेकिन मैं आपको ऑब्जेक्ट का बता के आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। ऑब्जेक्ट का भी होता है और किसका होता है? इमेज का भी होता है, लेकिन मैं आपको कौन सा बताऊंगा? इमेज का ही बताऊंगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आपको देखना नहीं होता। देखो उसमें क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू वो जगह है जहां पे ऑब्जेक्ट इमेज की बात करें तो इमेज को देखा जाए। तो जरा देखो इमेज कैसे देखा जाएगा और कैसे फील्ड ऑफ व्यू बनता है। तो देखिए बेटा, मैं एक आध फील्ड ऑफ व्यू बना के दिखाता हूँ। देखिए बेटा, ये है आपका प्लेन मिरर। अच्छा, फील्ड ऑफ व्यू ऐसा नहीं होता कि मिरर में ही होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो, हर जगह फील्ड ऑफ व्यू बोला जाता है। वो जगह है जहां से आप इमेज को देख पाए, या वो जगह जहां से आप ऑब्जेक्ट को देख पाए। देखो जरा यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ऑब्जेक्ट से लाइट रेस हम एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में दिखा रहे हैं। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब यहाँ भाई, इसके ऊपर तो हमारा लाइट रे जाने से रहा, क्योंकि इसके बाद तो हमारा मिरर ही खत्म हो गया। ये वो लाइट रे है जो एक्सट्रीम कंडीशन में जा रहा है। तो बेटा जरा देखो, अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को देखना है, अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को देखना है, तो आपको इस रीजन में खड़ा होकर ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। इस रीजन में, इसी रीजन को, अगर आप इस रीजन में खड़े होंगे तो आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा। अगर इसके अलावा अगर इस रीजन में खड़े होंगे, इस रीजन में, तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, मिरर रोक लेगा उसको। तो ये वाला जो रीजन होता है, इसी को हम कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। किसका? ऑब्जेक्ट का। ये वो जगह है जहां से आप किसको देख सकते हैं? इन ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। बहुत इस पे ध्यान मत लगाइएगा। लेकिन देखो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बेटा कहीं कुछ यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे इमेज बनेगा। और कैसे बनेगा? ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट वगैरह होगी, रिफ्लेक्शन के बाद देखो ये लाइट रे है जो यहाँ पे आप ला के मिलाएंगे। एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऐसे होगा, ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, पीछे आप बढ़ा के इमेज बना लेंगे। तो बेटा देखें, जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो क्या होता है? अगर आपको इमेज को देखना है, अगर आपको इमेज को देखना है, तो आपको ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आपको दिख रही है, इसी के भीतर आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। यानी आपका आई पोजिशन इसी जगह, इसी रीजन में हो, नहीं तो आपको जो इमेज है वो नहीं दिखेगा। कहेंगे कि कैसे नहीं दिखेगा? तो देखो बेटा, ये दोनों एक्सट्रीम लाइन है। मैं एक आध और लाइट रेज निकाल के दिखाता हूँ। जैसे देखो, एक लाइट रेज ये है, जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो क्लियर है कि इमेज से होके जाएगा, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे।
और आप जो कि इसी रीजन में है, इस रीजन में, तो आप ये लाइट रेज को बड़े आराम से कैच कर पाएंगे और इमेज को देख पाएंगे। और भी कुछ लाइट रेज मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये देखो लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद आपको ऐसे जाता हुआ दिखेगा, ये ऐसे जाता हुआ दिखेगा, ये ऐसे जाता हुआ दिखेगा, लेकिन कोई भी लाइट रेज ऐसा नहीं होगा जो ऐसे जाए, क्योंकि भाई मिरर यहाँ पे तो खत्म हो चुका है ना, ये वाला लाइट रेज पॉसिबल ही नहीं है, मिरर यहाँ पे खत्म हो गया, ये वाला लाइट रेज पॉसिबल नहीं है। तो लाइट रेज कहाँ पे आप गैदर कर पाएंगे, यहाँ इसी जगह को ही हम क्या कहते हैं बेटा, फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज। देखो फील्ड ऑफ व्यू ऑफ इमेज वो जगह होता है जहां पे आप खड़े होके इमेज को देख सकते हैं। अब वो बनाते कैसे हैं, जैसा मैंने अभी आपको बनाया वैसे ही बनाते हैं, देखिए कैसे, मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ। अगर आपको कोई कहे कि नहीं इमेज का आपको फील्ड ऑफ व्यू बनाना है, देखिए कैसे बनाएंगे। आपने मिरर ले लिया, सामने ऑब्जेक्ट रखा होगा, ऑब्जेक्ट रखा होगा तो जाहिर सी बात है आप बड़े आराम से इमेज बना पाएंगे कि भाई उल्टे साइड में इमेज बन जाएगा। और कैसे बनेगा, इसी लाइन को एक्सटेंड करेंगे 90 डिग्री वाली लाइन को, जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा होगा उतना दूर इमेज बनेगा, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इतना ही करना है कि इमेज से निकलने वाला दो एक्सट्रीम लाइट रेज को देख लेना है। ये दो एक्सट्रीम लाइट रेज है, एक्सट्रीम। अब ये जो लाइट रेज के बीच का ये जगह होता है, ये वाला जगह, इसी को ही हम क्या कहते थे बेटा, फील्ड ऑफ व्यू किसका, इमेज। यही वो जगह है जहां पे जब आप खड़े होंगे तो आपको क्या दिखने वाला है, आपको इमेज दिखने वाला है। इस जगह पे इमेज जो होगा वो दिखने सर। हाँ बेटा, सर फील्ड ऑफ व्यू के क्वेश्चन कैसे आते हैं? अभी तो फील्ड ऑफ व्यू में अभी बता रहा हूँ, तभी तो क्वेश्चन कराऊंगा। पहले ये बताएं कि फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाते हैं, ये आपको समझ में आ गया? सबसे पहले फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है ये समझ में आया? यस सर। फील्ड ऑफ व्यू वो रीजन होता है, वो प्लेस होता है जहां से हम इमेज को देख सकते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट को भी बताया, लेकिन ऑब्जेक्ट भी बहुत आपने देखा होगा, ध्यान मैंने नहीं दिलवाया, कहा कि नहीं ऑब्जेक्ट से चलेगा, इमेज से आपका काम चलना है। इमेज का जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो कैसे बनाते हैं, इमेज से दो एक्सट्रीम लाइंस जो है अपने मिरर पे डाल देते हैं, और इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में जो जगह बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। अब देखो बेटा मैं तुमको दो फील्ड ऑफ व्यू दिखा देता हूँ, और इन दो फील्ड ऑफ व्यू से जरा आइडिया लगाओ कि कैसे हम जो है इमेज को देखते हैं। बताओ बेटा सबको फील्ड ऑफ व्यू अभी शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा बताओ बेटा एक बार सब लोग बताओ। यस सर। अब ये थोड़ा फील्ड ऑफ व्यू वो पॉइंट हो जाता है जो ऑफलाइन ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, ऑनलाइन में थोड़ी सी मुझको लगता है कि आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ी सी समस्या होती है। फिर भी फील्ड ऑफ व्यू में एक बनाता हूँ, जरा देखें, अब थोड़ा ध्यान लगा के देखिएगा। मैंने क्या करा, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, सबको ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, और इस ऑब्जेक्ट के बाद मैंने प्लेन मिरर कुछ ऐसे ले लिया, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लेता हूँ, प्लेन मिरर ऐसे ले लिया। अब बेटा इसको बनाने में मैंने कोई गलती नहीं करी है, ऑब्जेक्ट ऊपर लिया है जैसा आपको दिख रहा है, प्लेन मिरर यहाँ पे लिया है। अब मुझसे कहा गया कि नहीं आप ऑब्जेक्ट जो है उसका फील्ड ऑफ व्यू से मुझको मतलब नहीं है, इमेज का फील्ड ऑफ व्यू बताओ, ठीक है बेटा। अब इमेज का फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाए, वही कंडीशन है, पहले तो इमेज को डिसाइड कर लेते हैं इमेज कहाँ होगा। अब देखो बेटा याद है, जब भी हम प्लेन मिरर पे एक ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो इमेज हमेशा ही उतनी ही दूर पे बनता है जहां पे ऑब्जेक्ट होगा। तो देखो बेटा मिरर तो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के जस्ट सामने है ही नहीं, तो मैंने क्या किया, मिरर से एक लाइन को एक्सटेंड कर दिया दिखाने के लिए कि भाई मिरर का ये एक्चुअल पोजीशन है, ये वाला जो आप लाइन देख पा रहे होंगे, ये वाला लाइन, ये मैंने ड्रॉ करा है। ये ड्रॉ इसलिए करा है क्योंकि मिरर तो ओ के पास है ही नहीं, तो मैंने ड्रॉ करके ये दिखा दिया कि भाई ये आपके ये जो मिरर है उसका लोकेशन बताने वाला डॉट लाइन है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ओ से एक लाइन इसी डॉट पे परपेंडिकुलर डाला, और देखो इमेज का पोजीशन फिक्स करो, जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही पीछे की तरफ क्या बनेगा, इमेज बनेगा। बताओ बेटा यहाँ सबको समझ में आएगा कि इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, ये क्लियर है? क्लियर है बेटा? Yes, अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, जब एक बार इमेज क्लियर हो जाता है तो याद है उससे मैं दो लाइट रेज लेता हूँ जो कि मिरर के एक्सट्रीम पॉइंट से पास करता हूँ। तो मैंने देखो एक लाइन ये लिया, ये लाइन लिया है कुछ ऐसे, ये लाइन देखो, ये भी थोड़ा सही नहीं है, ये बेटा थोड़ा सा आप देखें, मैंने एकदम एक्सट्रीम कंडीशन लिया है, और दूसरा लाइट रे ऐसे ऐसे, तो ये एक्सट्रीम लाइट रे है, और यही वो दो लाइट रे है इनके बीच में अगर आई पोजीशन हुआ तो आपको आई दिखेगा, अदरवाइज आपको
आपको जो आई यानी इमेज है वो नहीं दिखेगा। तो आपकी आंखें इसी फील्ड के भीतर होना चाहिए, इसी को हम क्या कहेंगे, फील्ड ऑफ क्लियर बेटा। हाँ अब देख एक और मैं आपको बताता हूँ, कहते हैं कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा तो कैसे बनेगा, तो देखिए जरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या, एक मैं बना देता हूँ। एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ए बी, मिरर ऐसे रख दिया गया, इसके लिए आसान बना देता हूँ, मिरर ऐसे रख दिया गया ठीक है। तो सबसे पहले मैं इमेज बना लेता हूँ, तो इमेज कैसे बनाऊंगा, जितना दूर ये है उतना ही दूर पीछे उतने ही साइज का इमेज बन जाएगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दिखेगा कब, अब सोचो अगर आपको ए और बी दोनों एक साथ दिख जाए तभी तो हम कहेंगे कि आपको पूरा इमेज दिख रहा है। देखिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं बी का फील्ड ऑफ व्यू बना लेता हूँ, बनाता हूँ फील्ड ऑफ व्यू बी का, ये लाइट रेज और ये लाइट। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा सीधी लाइन खींचने में दिक्कत होती है, आप थोड़ा बहुत समझिए, ये बी का जो है ये है फील्ड ऑफ व्यू, ये दिख रहा है सबको बेटा। यस अच्छा ऐसे हम ए का फील्ड ऑफ, हाँ ए का फील्ड ऑफ व्यू देख लेते हैं, इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ए का फील्ड ऑफ व्यू कुछ ऐसे, एक इधर और एक लाइट रे ऐसे। बेटा थोड़ा सीधा नहीं है इसको लिए, इसके लिए थोड़ा सॉरी, क्योंकि सीधी लाइन खींचना थोड़ा सा मुश्किल है। ये बेटा जो फील्ड ऑफ व्यू है ये किसका है, ए का। अब सोचो आपका एक्चुअल पूरे ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू क्या हुआ, तो जरा वो समझो बेटा। देखो जहां पे दोनों क्रॉस कर रहे हैं, देखें जरा ये वो रीजन है जहां पे ए वाला तो है पर बी वाला नहीं है, ये वो रीजन है जहां पे बी है पर ए नहीं है, पर ये रीजन देखें जरा जहां पे दोनों ही कॉमन हो। देखो ये मुझको कॉमन दिख रहा है, ये रीजन देखो जरा, ये रीजन दोनों में ही कॉमन है। और अगर इस रीजन में आपने, ये दिख रहा होगा, ये इस रीजन में अगर आपने आई पोजीशन दिखाई, आई पोजीशन आपने दिखाई, तो आप जरा देखो इस रीजन में ए भी प्रेजेंट है बी भी प्रेजेंट है, और यही रीजन हो जाएगा फील्ड ऑफ व्यू किसका, ए बी का, यानी आपका फील्ड ऑफ व्यू दोनों दोनों के लिए जो है जो कॉमन कटिंग पॉइंट है वो हो जाएगा, कॉमन कटिंग रीजन जो है वो हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे आई पोजीशन लगाया और आपने एक्सपेक्ट करा कि नहीं आपको बी दिखेगा, नहीं दिखेगा। अब देखो यहाँ पे किसकी फील्ड व्यू है, यहाँ पे ए का फील्ड ऑफ व्यू, तो आपको यहाँ पे ए तो दिखेगा, वैसे ही आप अगर अपनी आंखें यहाँ लगा लें तो आपको, चूंकि देखो ये बी वाली लाइन आ रही है व्हाइट वाली, तो आपको यहाँ पे बी तो दिखेगा पर यहाँ पे ए नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको ए दिखेगा बी नहीं दिखेगा, पर इस वाले रीजन में आपको ए और बी दोनों एक साथ दिखेंगे, यानी पूरा का पूरा इमेज दिखेगा। तो इस तरीके से हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का भी क्या बना लेते हैं, फील्ड ऑफ व्यू। तो बेटा क्लियर है। अब बेटा आते हैं इसके प्रॉब्लम पे। अब इसका जो प्रॉब्लम है वो देखो क्या है, कैसे हम इसके क्वेश्चन को करते हैं, जरा देखेंगे। अच्छा आगे मैं बेटा क्वेश्चन कराऊं, इससे पहले थोड़ी सी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। आपको बेटा मालूम है कि सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट होता है, सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है जरा वो देखें, देखें जरा, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। एक ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, एक है डी ए। आपको बेटा यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखें, दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखें तो एक खासियत ये है कि ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होता है, ट्रायंगल ए डी ई और ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों के दोनों क्या है, सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल जब होते हैं तो उसमें होता क्या है, एक्चुअली सिमिलर ट्रायंगल को आप बेटा ऐसे समझें कि आप जूम आउट जूम इन करते हैं ना, तो आप कोई ट्रायंगल का फिगर ले लीजिए बड़ा सा, उसको जूम इन कर दीजिए छोटा हो जाएगा, तो छोटा आपके सामने ट्रायंगल दिख रहा होता है ना, उसको बड़ा करने पे एकदम बड़ा वाला शेप ले लेता है, छोटा करें तो उसका साइज छोटा हो गया। ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है जिसको जूम आउट जूम इन करके आप अलग अलग साइज का कर रहे हैं, इसी को हम सिमिलर बोलते हैं। कॉन्करेंट जो होता है बेटा ना, वो एक दूसरे को एकदम ढक लेता है। जैसे देखो अगर ये ट्रायंगल कॉन्करेंट है तो दूसरा एकदम सेम सेम शेप और साइज में होगा, लेकिन अगर कॉन्करेंट है तो क्या होगा, एक बड़ा होगा एकदम जैसे ऐसे बड़ा होगा, और इसी को जूम इन कर देंगे तो ऐसा ही ट्रायंगल छोटा सा हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कॉन्करेंट, कॉन्करेंट ट्रायंगल, और ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, सिमिलर। सिमिलर में साइड बस जस्ट सेम अमाउंट से छोटा हो जाता है,
बाकी सब कुछ सेम रहता है। और कॉन्करेंट जिसको सर्वांगसम कहते हैं उसका शेप साइज एकदम एक जैसा होता है। तो आपके सामने जो मैंने दिखाया ट्रायंगल वो कैसा है, सिमिलर। तो अगर एक बार क्लियर हो जाए कि ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके करेस्पॉन्डिंग साइज का रेशियो हमेशा बेटा सेम होता है। जैसे देखो आप यहाँ पे मान लो इस लाइन का नाम है एफ और इसका जी। अगर हमको एक बात कंफर्म हो जाए कि हमारे ट्रायंगल कॉन्करेंट है तो उसके सिमिलर साइज का रेशियो हमेशा ही सेम होता है। जैसे देखिए छोटे वाले ट्रायंगल में अगर मैं कहूँ डी ई तो ये वाला डी लेंथ हो जाएगा अपॉन ए एफ। अब देखिए बेटा ये कौन सा रेशियो है, डी आप देख ही पा रहे होंगे छोटे वाले में, ए एफ आप देख ही पा रहे होंगे। ये रेशियो हमेशा सेम होता है करेस्पॉन्डिंग के। तो डी के करेस्पॉन्डिंग बड़े वाले में होगा बी सी, एकदम सेम सेम बी सी, और ए एफ के करेस्पॉन्डिंग बड़े वाले में होगा ए जी। तो ये रेशियो हमेशा बेटा सेम होता है। ये बेटा मालूम है सबको, बताए बेटा ये कॉन्गर सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट सबको मालूम है? यस सर। बेटा नहीं मालूम तो मैंने बना के दिखा दिया, इसी का यूज करना होता है, इसीलिए इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। बेटा किसी को नहीं समझ में आया तो बता देंगे, सिमिलर को हिंदी में समरूप त्रिभुज कहते हैं, समरूप कहते हैं। सिमिलर ट्रायंगल मतलब समरूप त्रिभुज, और समरूप त्रिभुज या सिमिलर ट्रायंगल में करेस्पॉन्डिंग साइज साइड जो होते हैं उनका रेशियो सेम होता है। और कॉन्करेंट में क्या होता है, कॉन्करेंट तो एकदम एग्जैक्टली बराबर होते हैं। सही बेटा, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत? समझ नहीं आया, समझ में नहीं आया बेटा, ये असल में अभी का पार्ट नहीं है, अभी का पार्ट नहीं है, ये पार्ट किसका है, आई थिंक 9th-10th का पार्ट होगा जब सब लोग साइंस लिए होंगे। बेटा देखो किसको नहीं समझ में आया बेटा, जरा अपने नाम पहले तो बता दे, मैं उसी हिसाब से बताए बेटा। सीमा, सीमा बेटा तुमको समझ में नहीं आया, हिंदी में इसको कहते हैं समरूप, समरूप त्रिभुज के बारे में सुना है? सुना है, तो ये समरूप त्रिभुज ही है। जरा देखो एक बड़ा सा ट्रायंगल लिया, जी सर, बड़ा सा ट्रायंगल लिया, मान लो मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे है, तो देखा ना मोबाइल के स्क्रीन पे जूम आउट जूम इन कर लेते हैं। अब मैं इसको जूम आउट कर दिया, जूम आउट होता ना जूम इन जूम आउट का मतलब, जूम इन मतलब इसको बड़ा कर दिया। तो जब इसको बड़ा करूंगा देखो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा, ये साइज कुछ ऐसा, ये साइज कुछ, थोड़ा सा इसमें एक दिक्कत यही रहती है कि सीधी लाइन खींचने में प्रॉब्लम। बेटा दोनों आपको ट्रायंगल दिख रहा है? अच्छा ये नहीं लग रहा है कि जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसी को जस्ट बड़ा कर दिया है, ठीक है ना? अच्छा देखो अगर ऐसा होगा तो जरा ट्रायंगल में साइज का देखो, मान लो ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम था एबीसी और नीचे वाले का नाम है ईएफजी, ये दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं बेटा। अब जब ट्रायंगल को हमने बड़ा करा होगा तो सोचो ये जो एबी लेंथ होगा, एबी लेंथ वो जितने अमाउंट से बढ़ के ईएफ लेंथ हुआ होगा बेटा, उतने ही लेंथ से तो हमारा बीसी बढ़ के एफजी हुआ होगा। बताओ सीमा सही है ना? अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि सोचो मैं ये कहूंगा कि एफ जी के जो लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है, यानी एफ जी का लेंथ जिस अमाउंट से बढ़ा है उसी अमाउंट से बी सी लेंथ बढ़ा है, सही ना? तो देखो मैं लिखूंगा एफ जी डिवाइडेड बाई बी सी, ध्यान से देखना एफ जी जो हमारे बड़े ट्रायंगल में है वैसा ही छोटे ट्रायंगल में बी सी है। ये जो दोनों का रेशियो करूंगा तो उतना ही आएगा जितना अमाउंट से हमारा ई एफ और ए बी बढ़ा होगा, नहीं जी सर? तो वो अमाउंट होगा ई एफ, देखो बड़े वाले ट्रायंगल का ई एफ, तो इससे पहले जो एफ जी लिखा था वो भी ऊपर बड़े वाले का ही लिखा था, तो एफ जी और बी सी में एफ जी बड़े वाले का था और करेस्पॉन्डिंग यानी एफ जी का जो छोटा रूप था वो बी सी था, तो उन दोनों का रेशियो निकाला। अब यही रेशियो ई एफ के लिए किसका होगा, ए बी का होगा, ना कि ए सी का, ए बी का, ये ए बी का। और इसी तरीके से तुम बराबर कर सकती हो बेटा इसका, जैसे आप देखो AC लेंथ उतने ही अमाउंट से बढ़ के EG हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे उतने ही अमाउंट से यहाँ पे हो जाएगा EG डिवाइडेड बाय AC। बेटा समझ में आ गया? अच्छा ये जो इसको कहते हैं समरूप, इंग्लिश में इसको कहते हैं सिमिलर, समरूप, दोनों त्रिभुज समरूप है। अगर हम सर्वांगसम कहें तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्गरेंट, उसमें क्या होता है कॉन्गरेंसी की अगर कंडीशन की बात करें तो देखो ये ट्रायंगल,
ये ट्रायंगल एकदम एक जैसे हैं, एकदम एक जैसे। मतलब अगर इस ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ, इन दोनों को अगर एक के ऊपर एक रखें तो दोनों एक दूसरे को ढक देंगे। ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? कॉनकरेंट। इसको हम कहते हैं, ऊपर वाले को हम समरूप कहते हैं, इसको हम कहते हैं सर्वांशम। ये हो जाएगा सर्वांशम, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉनकरेंट। और ऊपर वाले को हमने क्या कहा है? समरूप। सही जी बेटा? तो अब आपको बेटा सीमा समझ आ गया? सर, जी हाँ। तो देखो, मेन मुद्दे की बात से हम भटक गए, हम पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स। चलो बेटा, किसी को कुछ यहाँ पे पूछना है या बताना है तो पूछ या बता सकते हैं। सही है बेटा? सर। हाँ। चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत कुछ करने के बाद एक क्वेश्चन आया, चलो क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में बेटा देखो, मैं लिखा हुआ क्वेश्चन तो नहीं दिखा रहा हूं, मैं फिगर बनाऊंगा, आप उसको जरा समझिएगा। देखो है क्या कि एक दीवार है, उसके सामने कैंडील जल रहा है। एक दीवार है, उसके सामने कैंडील जल रहा है। देखो कैसे, दीवार जो है उसको तुम ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो, और इस दीवार पे एक बी साइज का, बी चौड़ाई का एक मिरर रखा हुआ है। देखो दिख रहा होगा, ये मिरर है, इसकी चौड़ाई कितनी है? सही। अच्छा, इसके एकदम सिमेट्रिकल, देखो सिमेट्रिकल के लिए मैं लाइन दिखाता हूँ, जिससे तुमको लगने लगे कि सिमेट्रिकल का मतलब क्या है। देखो ये जो व्हाइट वाली मैंने लाइन खींची, ये सिमेट्रिकल लाइन है। और इसी सिमेट्रिकल लाइन पे बेटा एल डिस्टेंस दूर, एल डिस्टेंस दूर एक बल्ब रखा गया है। बल्ब को मैंने ओ से दिखा दिया है, ये है बल्ब। सही है? तो आप ध्यान दीजिएगा, फिगर को ऊपर से देख रहे हैं, तो फिगर में आप बी देख रहे हैं, एक मिरर की चौड़ाई, और उसके आगे सिमेट्रिकल एक बल्ब रखा गया है, और मिरर और बल्ब के बीच का जो डिस्टेंस है ये बताया गया कि एल के बराबर है। सही है? अब एक आदमी है जो कि इस रास्ते पे चल सकता है, एक आदमी है जो कि इस रास्ते पे चल सकता है। इस रास्ते की खासियत देखो, ये जो व्हाइट वाली लाइन है उसके 90 डिग्री पे है, और जो प्लेन मिरर है उससे 2L डिस्टेंस दूर है। ठीक है? अब कहा गया कि भाई इस पे एक आदमी चलता है, एक आदमी चलता है इधर से इधर, ये है एक आदमी। तो वो कहते हैं कि बताओ कि इस येलो लाइन जो वर्टिकल वाला जिस पे आदमी चलता है, उसको कितने लेंथ तक बल्ब दिखेगा, उसको कितने लेंथ तक क्या दिखेगा? बल्ब दिखेगा। क्वेश्चन बेटा क्लियर है? फिर सर एक बार फिर से बता दीजिए। से बता रहा हूं, देखो एक मिरर है जिसकी चौड़ाई तुमको दिख रही है, लंबाई नहीं दिख रही है बेटा, ये क्या दिख रही है? चौड़ाई। तो कहते हैं कि एक मिरर है जिसकी चौड़ाई कितनी है? जिसकी चौड़ाई है बी के बराबर। हमसे ये बोला गया कि ये जो मिरर है उसके सामने एक बल्ब रखा गया है, कितने डिस्टेंस दूर पे? एल डिस्टेंस दूर पे सिमेट्रिकली रखा गया है। और इसी मिरर से 12 डिस्टेंस पे मिरर के पैरल एक रास्ता है जिसपे आदमी चल सकता है। बताओ कि इस रास्ते की कितनी लंबाई के भीतर हमारे इस मैन को ये बल्ब का इमेज दिखेगा? ठीक है बेटा? यस सर। अब जरा देखो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो जरा, इमेज दिखना है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी है इसको फील्ड ऑफ व्यू के भीतर रहना चाहिए। बताओ बेटा ये सही है? अगर आदमी को इमेज देखना है पूरा, तो उसको कहाँ पे रहना चाहिए? उसको रहना चाहिए फील्ड ऑफ व्यू के भीतर। तो देखो, इस मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर पीछे क्या बन जाएगा भाई? इमेज बन जाएगा। बताओ ये सही है? बताओ बेटा सही है? जी सर। अब देखो, कुछ लोग कहेंगे यार ये तो अजीब सी बात है, सर बोल रहे हैं कि मैन को बल्ब देखना है, तो ये मैन सीधे देख ले। नहीं, सीधे नहीं देखना है, इस बल्ब का इमेज देखना है। इस बल्ब का क्या देखना है? इमेज देखना है। और अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो भाई ये आदमी मिरर में देखेगा ना? बेटा धीरे धीरे बोलो जरा, ये जो मैन है वो इस मिरर से इमेज देखेगा। तो इमेज देखेगा तो देखो कैसे देखेगा, इमेज से हम फील्ड ऑफ व्यू देख लेते हैं। जरा देखो, यहां से मैंने ये लाइन ड्रॉ करी जो कि मिरर को छूते हुए आगे निकल गया, और यहां से मैंने ये लाइन ड्रॉ करी जो मिरर को छूते हुए आगे निकल गया। बताओ बेटा सबसे पहले तो ये कि क्या ये फील्ड ऑफ व्यू है? सर फील्ड ऑफ व्यू है। अब सोचो, आदमी जब तक, इस पॉइंट को मैंने ए कह दिया और इस पॉइंट को जब बी कह दिया, तो आदमी जब तक ए बी लाइन के भीतर यानी इस रास्ते पे रहेगा,
तो बताओ क्या इसको इमेज आई दिखेगा? हाँ, सर। लेकिन जैसे ही ये ऊपर जाएगा, ए के ऊपर जाएगा इमेज का दिखनापन, बी के नीचे जाएगा इमेज का दिखनापन, यानी हमसे पूछा है कि तुम ये बता दो कि ए बी लेंथ कितना है, यही तो पूछा है बेटा, सही है? हाँ, तो अब ये बता देते हैं कि भाई ए बी लेंथ कितना है। तो देखो यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट आया, हमको ये मालूम करना पड़ेगा कि कितनी दूर तक या किस रीजन में आदमी रहेगा तो उसको जो बल्ब है उसका इमेज दिखेगा। तो मैंने यही लेंथ बताया। अब देखो जरा यहाँ पे मुझको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। सबसे पहले इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस इसलिए एल होगा क्योंकि मिरर से आगे ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे रखा है, एल डिस्टेंस दूर। अब देखो बेटा आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, देखो उस ट्रायंगल का नाम, एक ट्रायंगल है आई ए बी, आपको बड़ा वाला आई, देखो आई ए बी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आई यहाँ ए यहाँ बी यहाँ, आपको ये बहुत बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा। जी अब एक छोटा ट्रायंगल आपको दिखेगा, एक आपको छोटा ट्रायंगल दिखेगा, आई ओ बी ये इसको मैं कहता हूँ सी और इसको डी। तो ट्रायंगल देखना जरा, ट्रायंगल आई सी डी, बेटा ये दो ट्रायंगल जो दिख रहे हैं ये सिमिलर है। सिमिलर कहेंगे, देखो सिमिलर के लिए बेटा क्या होता है ना कि एक ट्रायंगल के भीतर अगर दूसरा ट्रायंगल आ जाए और उनका ये वाला एक एंगल सेम हो जाए। देखो सिमिलर ट्रायंगल में खास बात होगी, इससे पहले चूंकि सिमिलर ट्रायंगल की बात हमने कर रखी है, एक बार देखेंगे सिमिलर मेरी ट्रायंगल। आवाज कट रही है, किसी का माइक खुला है। बेटा किसी का माइक खुला हुआ है एक, अब मुझको बार बार ये पलट के देखना पड़ेगा बेटा, जरा अपने से माइक ऑफ कर लीजिए। बेटा देखिए जो सिमिलर ट्रायंगल हमने देखा था उसमें आप खासियत पाएंगे, खासियत क्या होगा, भले बड़ा कर लें छोटा कर लें, ये एंगल और ये एंगल हमेशा सेम रहेगा, ये एंगल हमेशा सेम रहेगा, और ये एंगल और ये एंगल हमेशा सेम रहेगा, सही बेटा, एंगल नहीं बदलता। और यहां पे देखें, यानी यहां का मतलब जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर रखा है, क्वेश्चन हमारा कहाँ गया, अच्छा इसी उस पे थे, क्वेश्चन पे देखें बेटा, अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो मैं एंगल को दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखें बेटा, ये वाला एंगल तो दोनों में सेम है तो ये तो दोनों का सेम हुआ। अच्छा देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या बेटा आप लोगों को सेम लग रहा है? यस सर। और ये एंगल और ये एंगल क्या सेम लग रहा है? हाँ। और देखिए अगर ऐसा है तो देखिए यहाँ पे जो ट्रायंगल हमने बनाए हैं, ट्रायंगल जो हमने बनाए हैं वो ट्रायंगल में आपको जो एक ट्रायंगल दिख रहा होगा जिसका नाम होगा आई सी डी, वो छोटा दिख रहा होगा और आई ए बी बड़ा दिख रहा होगा, तो ये कम से कम कॉन्गरेंट तो नहीं होंगे, सिमिलर ही हो सकते हैं बेटा। ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए, और सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि करेस्पॉन्डिंग साइज का जो जो रेशियो होगा वो सेम होगा। तो इसके लिए मैं कुछ और लाइन खींच देता हूँ और पॉइंट का नाम दे देता हूँ। एक पॉइंट का नाम बेटा ये मैं दे देता हूँ, इसको कह देता हूँ मैं ई और इसको कह लेता हूं मैं एम। तो जरा देखिए बेटा बड़ा जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में ये जो साइड है ए बी बड़े ट्रायंगल में, और उसी के करस्पॉन्डिंग जो छोटा ट्रायंगल है उसमें जो साइड है उसका वैल्यू है सी डी इसका रेशियो, और जो परपेंडिकुलर वाला साइड है बड़े वाले में, परपेंडिकुलर देखिए वो कौन सा है, आई एफ, और छोटे में आई एफ के करस्पॉन्डिंग कौन है, आई ई, बताओ ये रेशियो सेम होगा कि नहीं, बता दो बेटा जल्दी से सब लोग, सही है? अब बेटा थोड़ा देखें, रे ऑप्टिक्स ऐसा टॉपिक है जिसको हम अगर बोर्ड पे फिजिकली पढ़ाते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आता है, ये पॉइंट देखो वो पॉइंट देखो, मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ। लेकिन बेटा आप सोचो यहाँ पे मेरे पास कंस्ट्रेंट भी है, तो आपको थोड़ा सा उसी पॉइंट के ऊपर ध्यान देना होगा, लगेगा टीचर बार बार एक ही पॉइंट ये ए ये बी ये सी बोले पढ़ा है, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, यहाँ पे मजबूरी भी है कि मैं आपको हाथ से नहीं दिखा सकता, सही बेटा? तो सबको समझ में आ गया कि रेशियो मैंने कैसे सेम कर दिया। हाँ बस बेटा यहाँ पे हमको जो चाहिए वो हमको मालूम चल जाएगा। देखो बेटा हमसे ए बी तो पूछा ही है, याद है ना, ए बी पूछा हुआ है। अब सी डी लेंथ को जरा ध्यान से देखो बेटा, सी डी लेंथ आपको क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, बी के बराबर होगा। हाँ अच्छा, अब आते इधर जरा आई एफ लेंथ को ध्यान से देखो बेटा, आई एफ लेंथ जो आपको दिख रहा होगा, ये आई एफ लेंथ आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये लेंथ, ये कितना होगा बेटा? तो बेटा यहां से यहां तक 2L है और यहां से यहां तक L है, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 3L, बहुत सही। तो ये यहाँ पे लिख लिया 3L,
और जरा आईई के लेंथ के बारे में बताओ कितना है बेटा वो एल। क्या हमको आंसर मिल गया कि भाई जो ए बी होगा वो हो जाएगा 3 × b के बराबर, बताओ बेटा सही है? ये क्वेश्चन बेटा क्या था और क्या पूछा गया था, मैंने कैसे करा, ये सब कुछ समझ में आया क्या? ठीक है, बहुत सही। तो बेटा ऐसे फील्ड ऑफ व्यू की बात करते हैं। बेटा ऐसे ही प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम और आता है, उस प्रॉब्लम को जरा ध्यान से देखें। देखो इस प्रॉब्लम में हमसे ये पूछा जाता है कि बताओ मिनिमम साइज क्या होगा जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखने वाले होते हैं, मिनिमम साइज मिरर का पूछा जाता है। तो देखो उसके ऊपर एक मैं तुमको क्वेश्चन करा देता हूँ बेटा। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझसे बोला गया है कि भाई एक रूम है, आप जो रूम में देखेंगे ना वो आप रूम को वर्टिकली देखेंगे। देखो ये रूम का उन्होंने बोला कि ये दीवार है, दीवार है, इस दीवार का जो हाइट है बेटा वो है h के बराबर। दीवार की हाइट कितनी है? h के बराबर। अच्छा जो सामने दीवार है बेटा उसमें मिरर रखा जाएगा और दोनों दीवारों के बीच में हमारा ऑब्जर्वर जो है वो खड़ा होगा ना। तो कुछ ऐसा समझ लीजिए कि ये एक दीवार है, मैं दीवार का नाम लिख लेता हूँ, ए बी एक दीवार है, उसके सामने जाहिर सी बात है सी डी एक दीवार है। ठीक है, इन दीवार के बीच में हमारा ये जो पॉइंट मैंने बनाया है एम, वो मैन है जो कि हमारा ए बी को देखेगा। अब हमारा सी डी जो दीवार है उसी के ऊपर एक मिरर टांगा जाना है और पूछा जाएगा कि बताओ कि जो मिरर होगा उसका साइज कितना होगा, कम से कम कितना होगा कि इस मैन को पूरा का पूरा जो ए बी वॉल है वो दिख जाए। आपको क्या दिया गया है? दिया गया है कि जो पर्सन है वो बी डी जो लेंथ है उसका मिडिल है और वो लेंथ आपको कुछ ऐसे दे दिया जाएगा। मान लो ये लेंथ है एक्स, तो ये लेंथ भी क्या होगा एक्स। आपको ये एक्स दिया नहीं है, आपको दिया क्या है कि जो मैन है वो ए बी वॉल और सी डी वॉल के बीच में खड़ा है। मैंने मान के बता दिया कि ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, मिरर कहाँ पे लगाना है बेटा? मिरर लगाना है सी डी पे। सी डी पे क्या लगाना है? मिरर। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ कि आपका जो ये जो ए बी वॉल है उसको अगर हाइट एच का है उसको पूरा देखना है तो सी डी वॉल पे कम से कम कितने हाइट का हम मिरर लगाएं। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? यस सर। अब चलो इसको बनाते हैं। देखो उसमें मैंने क्या करा, इसमें सबसे पहले मैंने ए बी जो वॉल है उसका इमेज ही बना दिया। देखो इमेज अगर हम बात करें तो भाई सी डी पे हमको मिरर रखना है तो इस सी डी वाले वॉल पे तो हमको मिरर लगाना है, तो अब कितना बड़ा लगाना है वही हमसे पूछा है। तो मिरर तो हमको सी डी पे लगाना है, तो सी डी पे जब मिरर होगा तो उसके आगे हमारा ऑब्जेक्ट होगा ए बी, तो उतना ही पीछे हमारा इमेज बन जाएगा ए बी का। तो मैंने उतना ही पीछे यानी 2x डिस्टेंस पे ऐसे इमेज बना दिया इस वॉल ए बी का, इसको लिख दिया ए डैस, इसको लिख दिया बी डैस। अब इसी को देखा जाना है। ठीक है बेटा, अब इसको देखा जाना है तो इसको कैसे देखा जाएगा? तो सोचो ये जो मैन होगा इस मैन तक ए डैस भी पहुंच रहा होगा और इस मैन तक बी डैश भी पहुंच रहा होगा, बताओ बेटा यहां तक सही है? और अगर ऐसा है तो जरा देखो ये जो लेंथ आपको दिख रहा है, ये लेंथ इतने पे ही हम अगर मिरर लगा दें तो हमको क्या दिखने लगेगा? हमको बड़े आराम से इमेज दिखने लगेगा। एक्चुअली जो आपका ये आपका जो मैन है यही ऑब्जर्वर है और मैन इस समय अगर आप देखो तो ए से एम के ऊपर और बी से एम के ऊपर यानी ए डैश से एम के ऊपर और बी डैश से एम के ऊपर ये लाइट रेज आ रही हैं और यही वो रीजन है जहां पे हमको ए डैश बी डैश का फील्ड ऑफ व्यू दिखेगा। अब कहेंगे फील्ड ऑफ व्यू दिखेगा तो आप बना के क्यों नहीं दिखाते? तो बना के मैं दिखाऊंगा बेटा, तो यहाँ बहुत सारी लाइन होगी। देखिए मैं आपको बगल में दिखा देता हूँ। देखिए ये बगल का मतलब मैं आपको थोड़ा अलग दिखा देता हूँ, नहीं तो आप इसी में कंफ्यूज रहेंगे। देखिए मैंने अभी भी बेटा अगर ध्यान दिया होगा तो ए डैश बी डैश क्या बना दिया है? इमेज। अच्छा मैंने यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे क्या होगा, ये सी डी है और इसी में मिरर रखा होगा, तो ऐसे मैंने मिरर लगा के दिखा दिया आप लोगों को कि देखो ये होगा मिरर ये वाला। अब देखो कैसे बनाऊंगा। देखो ए का मैं बना लेता हूँ फील्ड ऑफ व्यू, तो ऐसे भी होगा ऐसे भी होगा। बी का अगर देखें ऐसे भी होगा ऐसे भी होगा, तो जहाँ पे दोनों कॉमन होंगे, देखो ये है बी डैश का फील्ड ऑफ व्यू, ये वाला है ए डैश का फील्ड ऑफ व्यू। तो बेटा ये हुआ वो फील्ड ऑफ व्यू जिस जो कॉमन हुआ, ये हुआ हमारा फील्ड ऑफ व्यू जो हमको ए डैश भी दिखेगा बी डैश भी दिखेगा। तो वो हम कैसे बता सकते हैं बेटा? ए से मैं ऐसे लाइन खींचूंगा,
बी से मैं ऐसे लाइन खींचूंगा, जहां पे मिलेगा वहीं पे हम मैन को रख देंगे, तभी तो वो दोनों लाइन को कैच कर पाएगा। वही मैंने बेटा यहाँ पे बना दिया है। ठीक है तो बेटा ये समझ में आ गया कि मैंने कैसे एम के ऊपर लाइट हेज बना दी है। फील्ड ऑफ व्यू के भीतर एम है, और आप देखो ए डैश को देखा जाना है तो ए डैश से चलने वाली लाइट रेस एम तक पहुंचनी चाहिए। बी को देखा जाना है बी डैश को, तो बी से चलने वाली लाइट रेस एम तक पहुंच जानी चाहिए। तो इस समय जो ऑब्जर्वर एम है उससे ए डैश की भी लाइट रेस पहुंच रही है, बी डैश की भी लाइट रेस पहुंच रही है, और ये जो आप देख रहे हैं इस समय मिरर का ये मिनिमम साइज है। तो इसका कुछ नाम रख लेते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ ई और एफ। अब आप जरा देखिए फिर से साइज के बारे में, बेटा डी और बी डैश के बीच का जो लेंथ होगा वो 2x इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमने अभी भी बात करी है कि सी डी से आगे ए भी 2x डिस्टेंस दूर है, तो सी डी से पीछे ए डैश बी डैश जो इमेज है वो भी कितना डिस्टेंस पे होगा, 2x। ऑब्जेक्ट और इमेज का हाइट सेम होगा तो इस ए डैश बी डैश का भी हाइट सेम होगा। अब आपको दो ट्रियंगल दिख रहे होंगे जो कॉन्करेंट होंगे, जैसे उसका नाम देख लें, ट्रियंगल एम ई एफ, ये सिमिलर होगा, ट्रियंगल एम ए डैश बी, सॉरी ए डैश बी डैश। ठीक है अगर ऐसा है बेटा, ये सिमिलर ट्रायंगल सबको दिख गया। यस अब देखो मैं इसमें सर, कैसे करता हूँ, देखो बड़े वाले ट्रायंगल की अगर मैं बड़ी वाली साइड देखूँ ए डैश बी डैश वाला, अच्छा मुझको क्या बताना बेटा पहले तो वो देख लो, मुझको बताना है यहाँ पे कि ई एफ कितना होगा, तो वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो छोटे वाले में ई एफ हमको बताना है, छोटे वाला जो ट्रायंगल है तो ई एफ के करेस्पॉन्डिंग जो बड़ा वाला है उसमें कौन सा आएगा, ए डैश बी डैश, छोटे, सही है ना। फिर छोटा ट्रायंगल जो है उसमें कौन सा साइड हमको मालूम है, देखो तो बेटा ये वाला साइड हमको मालूम है, इसको मैंने कहा ई एफ जी जी और आई जे। देखो जरा छोटे वाले में हमको दिखा एम जी, और बड़े वाले में करेस्पॉन्डिंग क्या दिखेगा, एम एच। तो बेटा ये साइड का रेशियो सेम होगा, ये सबको समझ में आ गया। तो यस सर, देखो बेटा, हाँ ये देखो बेटा ई एफ हमको बताना ही है, ए डैश बी डैश कितना है बेटा, एच के बराबर, उसको एच लिख लिया। एम जी आपको दिखाया बेटा कितने के बराबर है, एक्स के बराबर है, और एम एच अगर आप देख पाए तो कितना हुआ, 2x+x यानी 3x, एक्स से एक्स कैंसिल हुआ और हमारा ई एफ आ गया कितना, एच बाई, समझ में बेटा। तो मिरर का ये जो साइज आया है वो मिनिमम साइज होगा मिरर का, बेटा सबको समझ में आ गया कि मिनिमम साइज क्या होना चाहिए। इससे छोटा आप कर लोगे तो सही नहीं रहेगा, इससे छोटा करोगे तो आपको इमेज नहीं दिखेगा, इससे बड़ा बहुत जरूरी है। अच्छा बेटा देखें, जब मैं ये बता रहा हूँ तो मुझको भी अच्छे से मालूम है कि ये क्वेश्चन जो आपके सामने चल रहे हैं ये बहुत ही इतने आसान नहीं है कि आपको लग जाए कि हाँ यही क्यों किया वही क्यों किया, तो इस पे कोई टेंशन नहीं है, आप इसको जितना समझे हैं उतना समझिए। इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर मैं कल फिर से बात करूंगा ये समझाने के लिए कि भाई इसमें क्या स्पेशल था जो आपको एक बार भी नहीं समझ में आ सकता है, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट है। जैसे आपके लिए ये होमवर्क हो जाएगा कि आप एक बार जाके देखिएगा कि अगर ई एफ साइज से बड़ा साइज होगा तो क्या होगा, ई एफ साइज से छोटा साइज होगा तो क्या होगा, और सबसे बड़ी बात ए डैश बी डैश से ऐसा मैंने क्यों किया कि एम जो ऑब्जर्वर है उसके ऊपर लाइट रेस को इंसिडेंट कराया, ये जो लाइट रेस है ना, ये आप देखें, ये वाला लाइट रेस मैंने इसको और इसको इंसिडेंट कराया है ना, तो मेरे लिए क्वेश्चन ये हो सकता है कि ऐसा क्यों। तो बेटा मैं आपको एक बार जवाब दे दूं, भाई ए डैश को अगर आपको देखा जाना है तो मैन का पोजीशन चेंज नहीं हो सकता है, सबसे पहले मैन फील्ड ऑफ व्यू में है, दूसरा मैन का पोजीशन जो फिक्स है, तो ए डैश को देखने का मतलब ये हुआ कि जो ए डैश से लाइट रे चलेगी वो सीधे तुम्हारी आंखों तक जानी चाहिए, और ये तभी जा पाएगा जब ए डैश से आप सीधी लाइन एम तक लेके जाओ। बी डैश अगर आपको देखा जाना है तो इसका मतलब ये हुआ कि बी डैश से लाइट रे सीधे तुम्हारी आंखों तक जाए, और वो तभी जा सकता है जब आप बी डैश से एम को सीधे एक स्ट्रेट लाइन से मिला दोगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने ए डैश बी डैश को सीधे एम से मिला के ये दिखाया है कि एम जो है वो ए डैश से लाइट पहुंच रही है, इसका मतलब ए डैश को भी दिख रहा है, बी डैश से सीधे लाइन पहुंच रही है, इसका मतलब बी डैश को दिख रहा है, और इसके बीच में जो भी कुछ आएगा वो भी दिख जाएगा, और ये जो पहुंच रहा है वो किसके थ्रू पहुंचेगा, जाहिर सी बात है बेटा ये जो लाइट रेज होंगी, ये जो लाइट रेज होंगी वो किसी मिरर के थ्रू ही पहुंचेंगे, सीधे थोड़ी पहुंचनी है क्योंकि हमको इमेज देखना है और इमेज तो मिरर से ही बना होगा, इसलिए आपको ये बीच में मिरर दिखना होगा, मिरर उसी बीच में आ गया सीधी वॉल पे। बताओ बेटा यहाँ तक सही है? सर, क्वेश्चंस इसके सेंड कर दिएगा, जो भी आपने जो क्वेश्चंस कराए हैं ये क्वेश्चंस सेंड कर दिए। अच्छा मैं बेटा इस क्वेश्चन को सेंड कर यस सर, दूंगा, अब कुछ
कुछ क्वेश्चन मैं बनाऊंगा तो उसको, हाँ इसका तो मैं सेंड कर दूंगा कोई ओके दूसरा सर, बना के, ठीक है यस सर, बेटा? थैंक यू सर। ओके डियर बेटा, अभी क्वेश्चन समझ में आया ना? यस सर। हाँ देखिए बेटा, ये ना थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा थिंकिंग जरूरत पड़ती है, मतलब एक टीचर तब तक इस वाले पॉइंट को नहीं सिखा सकता जब आप थोड़ी सी गलतियां ना करें। गलतियां करने में आप ये देखिए कि भाई ए डैश से, देखिए ऑप्टिक्स वो सिंपल सा रूल है। ऑप्टिक्स का सिंपल सा रूल क्या है भाई, देखो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट ए को देखा जाना है, आपकी आंखें यहाँ है, ए को देखा जाना है, ए ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ए इमेज भी हो सकता है, तो अगर ए देखा जाना है तो ए से सीधी लाइट रेज आपकी आंखों पर गिरनी पड़ेगी। अगर गिरती है तब तभी आप देख पाएंगे, अगर नहीं गिरती तो आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है बेटा? बेटा किसी का माइक ऑन है, जो ऑन रह गया है तो उसको बेटा ऑफ थोड़ा सा कर लें, किसी का माइक ऑन है तो वो ऑफ कर लें, ठीक है बेटा? सही बेटा, चलो इसके ऊपर हम बात करेंगे। आप थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, आपको अभी लगने लगा होगा कि देखो कितने कठिन कठिन क्वेश्चन होते हैं। इसमें कठिन नहीं है, बस इस बात की दूरी है कि आप इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो मैंने इसमें दो क्वेश्चन बताया फिलहाल, आगे हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से और क्वेश्चन आते हैं। बताओ बेटा यहाँ तक सबको सही है? जी सर। अच्छा ये बता बेटा, बातें बता दो, ये चीजें समझ में आ रही जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? लेकिन बेटा देखो, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट ही रह चुका हूँ तो सही बताऊं मैं कि सच्चाई यही है कि ये तुरंत नहीं समझ आता, ये जो पॉइंट है ना ये तुरंत नहीं समझ आता। जैसे ए डैश से एम पे लाइट, एम पे क्यों गिराया, बी डैश से क्यों एम पे गिराया, तो उसके लिए सिंपल सी बात है, आपकी आंखें जब भी कहीं से लाइट रेज आती है तभी उस चीज को देख पाते हैं। जैसे मैं अपने सामने लैपटॉप देख पा रहा हूँ, क्यों देख पा रहा हूँ, क्योंकि लैपटॉप से सीधी लाइट रेज मेरी आंखों पर गिर रही है। अगर लैपटॉप से सीधी लाइट रेज मेरी आंखों पर ना गिरती तो ना देख पाता। इसीलिए अगर ए डैश को देखा जाना है तो ए डैश से सीधी लाइट रेज तुम्हारे एम पे गिरनी चाहिए। फिर कुछ लोगों को लगता है कि ठीक है ये तो गिर ही जाएगा, लेकिन मिरर क्यों बनाया? तो बेटा ये सबसे पहले कंफर्म करो कि ए डैश बी डैश इमेज है। ये जो ए डैश बी डैश है जो आपके सामने दिख रहा है ये इमेज है, तो ये बना क्यों होगा भाई? ये बना इसलिए होगा ना क्योंकि मिरर रहा होगा, मिरर नहीं होता तो बनता कैसे? इसलिए जो मैं ये एक्सट्रीम लाइट रेज ये गिराया हूँ, ये वाला, इसको आप देखो मैं मिरर से, इस मिरर से लेके गया हूँ। इस बात को आप समझ पा रहे बेटा? इस बात को आप लोग समझ पा रहे? तो इस बात को थोड़ा समझेंगे। अच्छा इसमें कोई टेंशन ना लीजिएगा, ये मैं आपको जैसे जैसे आगे बताता जाऊंगा इसको मैं अलग से सिखाऊंगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बहुत सारे पॉइंट्स बन जाते हैं, बहुत सारी चीजें दिखाने को हो जाती हैं, और वो भी अजीब स्थिति ये है कि जब मेरे सामने आप प्रेजेंट नहीं है फिजिकली, थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर कोई दिक्कत नहीं, हम उसको बड़े आराम से कर लेंगे। बस आप थोड़ा सा घर पे जब जाइएगा तो इसको देखिएगा, आपके पास पीडीएफ भी होगा, आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन ऐसे करके आता है। अब इस क्वेश्चन को भी मैं भेज दूंगा, लेकिन फिलहाल तो आपको यहीं पे देखना पड़ेगा। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, अगर यहाँ पे कुछ मेरे काम का मिल जाए तो इससे मैं ले लूँ, यहाँ पे एक लाइन तो मिल ही जाएगा। बेटा ये जो लाइन अभी मैंने ड्रॉ करी है सबको दिख जा रहा है आराम से? यस सर, या मैं इसका, या इसका मैं कलर ही चेंज कर दूं थोड़ा सा। बेटा अभी क्या दिख पा रहा है आप? यस सर, इसका कलर अब बेटा यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एक मुझको लाइन असल में स्ट्रेट होना जरूरी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्ट्रेट एक लाइन बना रहा हूँ।
बेटा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो मिरर हैं, आई थिंक इसमें आप देख नहीं थोड़ा सा समझ नहीं, यहाँ सीधी लाइन खींचना थोड़ा सा ही दूभर काम है। देखें क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि दो प्लेन मिरर हैं, एक प्लेन मिरर ये है प्लेन मिरर, इस मिरर का नाम है M1 और एक प्लेन मिरर ये है, इस प्लेन मिरर का नाम है M2। बेटा ये दोनों मिरर देख पा रहे हैं आराम से, लगभग सीधा। यस सर। अब बेटा एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, क्वेश्चन ये है कि ये जो दो प्लेन मिरर हैं इनके बीच का एंगल ये है थीटा, दोनों प्लेन मिरर थीटा एंगल पे एक दूसरे से झुके हुए हैं। मुझसे ये बोला गया कि भाई मिरर M2 पे एक लाइट रे आया, मिरर M2 पे एक लाइट रे आया जो आपको अभी दिख रहा होगा, जो कि M1 के पैरेलल है। ठीक है, M2 पे एक लाइट रे आया जो M1 के पैरेलल है, फिर इस पे जब आया तो रिफ्लेक्ट हुआ होगा, जाहिर सी बात है रिफ्लेक्ट होके किस पे गया होगा, M1 पे, और जब M1 से रिफ्लेक्ट हुआ तो ऐसे चला गया, और आप ये जो जाता हुआ देख रहे होंगे लाइट रे वो M2 के पैरेलल है। समझ में बेटा मैंने क्या करा, मैंने क्या कहा कि M2 पे एक लाइट रे गिरा, ये लाइट रे नंबर 1 है, ये M2 पे गिरा लेकिन वो M1 के पैरेलल था, दो रिफ्लेक्शन हुआ, देखे कहाँ कहाँ पे, एक पॉइंट ए पे रिफ्लेक्शन हुआ फिर दूसरा पॉइंट बी पे। जैसे ए पे रिफ्लेक्शन कैसे हुआ, आया ए पे गिरा फिर बी पे गया, बी पे रिफ्लेक्शन हुआ तो बी से आगे बढ़ा और ये लाइट रे नंबर 2 है। अब 2 को कहा कि M2 के पैरेलल है, कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो बताओ कि थीटा कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा सबको, बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया। यस हमसे बोला गया कि लाइट रे नंबर 1 M2 पे गिरता है, M1 के पैरेलल है, दो कंसेक्यूटिव रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे नंबर 2 फाइनली बाहर निकला, फाइनली इमर्जेंट लाइट रे है वो जो है M2 के पैरेलल अगर हो जाए तो ये बताओ कि एंगल थीटा, यानी वो एंगल जिस एंगल पे दोनों जो मिरर झुके हुए हैं वो कितना होगा, ये हमसे पूछा गया। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करते हैं। बेटा क्वेश्चन तो सबको समझ में आया ना, क्योंकि उसके बिना तो काम ही नहीं चलना है। क्वेश्चन क्या है समझ में आ गया सबको, यस सर। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अगर बेटा हम ये बता पाए कि ए के ऊपर बनने वाला ये एंगल और बी के ऊपर बनने वाला ये एंगल कितना है, तो आपके सामने ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स हम बता देंगे और इनका सम 180 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं, इससे हमारा वैल्यू आ जाएगा। अब जरा एक बात का ध्यान देना, देखो आप अगर इन दो लाइनों पे ध्यान दो बेटा, इन दोनों लाइनों को हमको यूज करना है। देखो एक लाइन ये आपको लाइन दिख रहा है, देखो एक लाइन ये जो M1 वाला मिरर है और एक लाइन रे नंबर 1, ये दोनों बेटा लाइन आपको दिख रहा है। यस सर। अच्छा उसको देखो, आपकी सिंगल लाइन कट कर रहा है, ये आप देख पा रहे हैं जो मिरर M2 है वो कट कर रहा है। अगर ऐसा है तो देखो ये एंगल क्या सेम होगा, सॉरी ये एंगल क्या सेम होगा, बताओ क्या समझ में आया बेटा। देखो मिरर M1 एक लाइन है और रे नंबर 1 एक लाइन है, और उसको मिरर नंबर M2 जो कि एक लाइन है कट कर रहा है, तो हम जानते हैं कि करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, सही ना। अगर ऐसा है तो ये एंगल हमको थीटा मिल जाएगा। सिमिलर अगर हम आए नीचे, तो नीचे जरा देखो फिर से दो पैरेलल लाइट रेस कौन है, दो पैरेलल लाइन कौन है, एक लाइन ये और एक मिरर M2, ये दोनों पैरेलल है और इसको ये सिंगल लाइन कट कर रहा है, ये आप देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब करेस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला सेम होगा, तो वो सेम लिख लेते हैं। ये बेटा पीछे जो पीछे वाली छोटी छोटी कक्षाओं में हम सीखे रहते हैं वही वाली प्रॉपर्टीज हैं, तो देखो मैंने इसको भी सेम कर दिया। बताओ बेटा यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, ये सब एंगल सेम ही होंगे। चलो अब देखो जरा जरा पॉइंट ए पे ध्यान लगाओ भाई, रिफ्लेक्शन है ना, तो अगर मैं ए पे नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, तो अगर ए पे मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ करा तो क्या होगा, तो बेटा ये वाला जो एंगल है वो तो 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा क्योंकि नॉर्मल हमने ड्रॉ करा है, बताओ सही है। तो अब सोचो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, बताओ बेटा सही है।
अच्छा अब जरा देखो बेटा, ये चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, तो ये एंगल हुआ 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों बराबर होंगे ना भाई, इसलिए अब जरा देखना ए पे जो परपेंडिकुलर है ये पूरा एंगल 90 है, अगर ये पूरा एंगल 90 है तो ये कितना हो भाई, ये हुआ थीटा। बताओ बेटा क्या आपको समझ आया कि ये जो भीतर वाला एंगल है ये वाला, ये थीटा होगा, ये सबको समझ में आ गया? यस सर, बहुत सही। अगर इतना समझ में आ गया तो यहाँ पे देखें दूसरा, यहाँ पे ये मैंने बी पे नॉर्मल खींचा, वही कहानी, ये टोटल एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल कितना हुआ 90 माइनस थीटा, भाई ये टोटल एंगल 90 है तो ये कितना हुआ थीटा। अब जरा देखो तीन एंगल ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है, तो इसका मतलब थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा कितने के बराबर हुआ, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल 180 के बराबर, तो 3 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना, सही बेटा। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि ये जो मिरर आप अभी देख रहे हैं, इस मिरर के लिए जो एंगल होगा थीटा वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। इसका भी बेटा मैं क्वेश्चन आपको भेज दूंगा, इसमें किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो पूछें। आ गया सर, बताए बेटा सही है? आ गया सर, यस सर, चलो बेटा। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझने में थोड़ी दिक्कत थोड़ी ऑप्टिक्स की सर, वो बिना देखे ना क्वेश्चन थोड़ा नहीं आ रहा सर। क्या क्या करें बेटा? सर बात एक बार क्वेश्चन भेज दीजिएगा ना, फिर पढ़ के एक बार वो दिक्कत हट जाएगी, ऐसे बिना देखे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया ना कि थोड़ी सी दिक्कत तो रहती है, लेकिन ये तीसरा वाला जो मैंने क्वेश्चन करा है वो थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि उसमें क्या हुआ। अब देखिए कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारी लाइन है, आप यही उलझ रहे हैं कि कौन से लाइन के बीच में ये बोल रहे हैं टीचर। अब सामने होता तो मैं बताता, देखो ये लाइन इतना है तो वो लाइन इतना है, तो आसानी समझ में आ जाता, लेकिन ऐसे समझने में थोड़ी सी कई बार दिक्कत आती है। आराम से देखिए, कोई एंगल वेंगल आपको ना समझ में आए तो आप पूछिए, बड़े आराम से करता है, ठीक है? चलो अब आगे बात करते हैं, आगे हम और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नंबर ऑफ इमेजेस की काउंटिंग की बात कर लेते हैं। बेटा देखो क्या होता है, दो मिरर, मैंने बोला ना कि आपको एक तो इमेज के बारे में पूछा जाएगा, हमने इमेज के क्वेश्चन कर लिए, हमसे अब पूछा ये जाता है नंबर ऑफ इमेज को काउंट करो, और ये दो कंडीशन में हमसे नंबर ऑफ इमेज पूछा जाएगा। नंबर ऑफ इमेज, मिरर ले लिया जाएगा दो, और इन दोनों को ऐसे रखा जाएगा, या तो पैरेलल, मिरर्स को पैरेलल रखा जाएगा, या इनके बीच में कोई एंगल होगा, ठीक है बेटा? तो इन दोनों में ही हम नंबर ऑफ इमेजेस बताएंगे। तो देखो कैसे बताते हैं, एंगल वाले को इसमें क्या होगा, एक मिरर ऐसे ले लिया जाएगा, ठीक है, एक मिरर ऐसे ले लिया जाएगा, दो मिरर हो गए इनके, इनको हमने मिरर बना लिया कम से कम। अब देखो बेटा एक और खास बात, बेटा ये जो टोटल एंगल है उसको हमने बाइसेक्ट कर लिया, ये है बाइसेक्टर, ये है बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब ये एंगल भी अल्फा, ये एंगल भी अल्फा, इस मिरर का नाम M1, इस मिरर का नाम M2। बेटा ये थ्योरी है, इस एंगल को काटने वाले इस येलो वाले लाइन को हम क्या कहते हैं बेटा, बाइसेक्टर, सही बेटा, समझ में आया? यस सर। अब हमसे पूछा जाएगा कि बताओ कि जो है यहाँ पे बेटा इनके बीच का जो एंगल है इसको मैं थीटा कह लेता हूँ, थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, अल्फा, सही है। अब हमसे पूछा जाएगा बताओ भाई इमेज कितने बनेंगे, तो देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक नंबर निकाल लेता हूँ M, ये नंबर क्या होगा 360 डिवाइडेड बाई, ये जो एंगल बेटा थीटा आपने देखा है, डिवाइडेड बाई थीटा आप निकाल लेते हैं, सही बेटा। जब आप निकाल लेते, यहाँ पे हम क्या बताने वाले हैं, नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे ऐसे कंडीशन में, तो जब मैं एम निकालता हूँ बेटा, तो एम जब निकालूंगा तो उसकी तीन संभावनाएं हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं देखो, जब मैं m निकालूंगा या तो हमारा m आएगा इवन, सही बेटा, या आएगा ऑड, या आएगा अदर। अच्छी बात यह है कि बेटा आपको अदर वाला नहीं पढ़ना है, तो मैं अदर वाला पढ़ाऊंगा भी नहीं,
नहीं तो हम थोड़ा सा ट्रैक से ज्यादा भटक जाएंगे। हमको इवन और ऑड वाला ही पढ़ना है, ठीक है? तो देखो हम इसमें इमेज कैसे काम करके बताते हैं। बेटा एक बार तुमको मालूम चल जाए कि एम जो आया है वो इवन आया है, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो होगा एम माइनस वन। एन क्या है बेटा? एन उससे मैं दिखाऊंगा नंबर ऑफ इमेजेस। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा। बेटा एम क्या होगा? 360 को आपने थीटा से डिवाइड कर लिया, 360 डिवाइडेड बाय थीटा, इससे हमारा एम मिला। जब एम आया तो वो इवन आया, इवन मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस टाइप से नंबर अगर आया तो हमारा नंबर ऑफ इमेजेस एन क्या हो जाएगा? एम माइनस वन के बराबर। बताओ बेटा यहां तक ठीक है? यस सर। अब देखो जब ऑड आएगा तो क्या होगा? बेटा जब ऑड आता है तो दो कहानियां फिर से आ जाती हैं। ऑड पे दो कहानियां हैं, इवन पे दो कहानी नहीं, सिंगल कहानी, लेकिन ऑड पे दो कहानी। दो कहानी में क्या होगा? या तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑन द बाइसेक्टर होगा। ऑन द बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा बेटा? जैसे मान लो ओ है जिसका हमको इमेज बनाना है, तो ओ अगर मैं ऐसे रख दूं तो देखो येलो वाले बाइसेक्टर के ऊपर आ गया, तो या तो ये कहानी हो जाएगी, या तो ऐसी कुछ कहानी हो जाएगी कि भाई बाइसेक्टर से हटके कुछ है। तो देखो ओ को मैंने बाइसेक्टर पे रखा तो ये हुआ ऑन बाइसेक्टर की कहानी, जबकि ओ डैश बाइसेक्टर से हटके है तो वो दूसरी कहानी। लिखा ओ डैश नॉट ऑन बाइसेक्टर। ये दो कहानियां बेटा समझ में आया? अगर बाइसेक्टर पे है तो एक कहानी, बाइसेक्टर पे नहीं है तो दूसरी कहानी। जब बेटा बाइसेक्टर पे होता है तो नंबर ऑफ इमेजेस उतना ही रहता है जितना इवन में आया है, दैट इज एम माइनस वन। लेकिन अगर बाइसेक्टर पे नहीं होता तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होता है वो एम के बराबर हो जाता है। सबको समझ आ गया बेटा कि क्या कहानी है? जी सर। एम क्या हुआ यहाँ पे? यस सर। एम तो हमने पहले निकाल लिया है ना, एम तो पहले, जैसे अगर मैंने एम निकाला वो ऑड आ गया, जैसे आ गया 1, 3, 5, 7 इस टाइप से आया, ठीक है। तो ये तो ऑड हो गया। जब ऑड होगा तो हमको पूछना पड़ेगा भाई तुम ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे रखे हो या नहीं रखे हो। अगर बाइसेक्टर पे रखे हो, अगर बाइसेक्टर पे रखे हो तो कौन सी कहानी? ये वाली कहानी, ऑन द बाइसेक्टर वाली। तो उसमें नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगे? एम माइनस वन। लेकिन अगर मान जाएंगे भाई बाइसेक्टर पे नहीं है और ऑड भी है तो नंबर ऑफ सर इमेज क्या हो तो ये जाएगा? क्वेश्चन में दिया होगा ऑन द बाइसेक्टर, नॉट ऑन द बाइसेक्टर। भाई एम तुमको निकालना पर पड़ेगा एम ना, निकाला एम तुम्हें बताया ना 360 को थीटा से डिवाइड करोगे, पर सब दिया होगा, टेंशन ना एम लो। ऑड मैं में आ क्वेश्चन गया, करके बताता हूँ। हाँ एम बेटा ऑड में आ गया, तो ऑड के बाद अगर हमें ये कैसे पता चलेगा बाइसेक्टर पे है या नहीं है? बेटा वो नहीं पता चलेगा, वो बोलेगा ना तुमसे, जी सर। इसका टेंशन तुम ना लो, वो बोला जाएगा। नहीं बोला जाएगा तो किसी को थोड़ी सपने आ रहे हैं कि कैसे मान चलेगा बाइसेक्टर में। सर बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा तो कोई नहीं कर सकता, ठीक है? बताओ बेटा यहां तक सही है? जी सर। यस सर। अब बेटा जब अदर होता है ना, तो मैं बता तो नहीं रहा हूँ लेकिन इसको काउंट करना पड़ता है, गिनना पड़ता है, ये है ये है ये है, 5 बना 10 बना, इसको गिनना पड़ता है। तो अदर वाला तुम ना ही सोचो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है? अब जैसे एक क्वेश्चन मैं इस पे कराता हूँ। देखो मुझसे बोला गया कि भाई दो मिरर हैं, दो मिरर हैं, उनके बीच में एंगल है 60 डिग्री। दो मिरर हैं उनके बीच में एंगल है 60 डिग्री। अब बताओ नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे? सही है, मैंने कहा चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा? m कैसे निकालेंगे? 360 को किससे डिवाइड कर लेंगे? 60 से। कितना 60 आ जाएगा बेटा? 6। बताओ ये इवन है या ऑड? इवन है, तो नंबर ऑफ इमेजेस को अगर मैं n से लिखूं तो आंसर क्या आएगा? m माइनस वन, यानी 6 माइनस 1 यानी 5। सही बेटा? सर। हाँ ऐसे ही, हाँ ऐसे ही आप एक ऑड ले लो। मान लिया मेरा एक ऑब्जेक्ट है जो कि बाइसेक्टर पे रखा है, टोटल एंगल है कोई ऑड वाला बताओ बेटा क्या हो सकता है? 30 पे कर दे तो 12, कितना बेटा? 45 कर ले, 45 पे करोगे तो इवन आ जाएगा ना। फोर्टी फाइव पे करोगे तो 360/45 करोगे कितना जाएगा? 9 गुना 18, 18 आ जाएगा ना।
30 30 सॉरी सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड, 45 का है बेटा, तो 90, 90 बोले तो 4, 4 इंटू टू 8, मैं एक मुझसे ज्यादा पड़ गया, ये हो जाएगा बेटा 8, 8 जब हो जाएगा तो m की वैल्यू हो जाएगी 8, और 8 हो जाएगा तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो बेटा आपको सब दिया जाएगा, अब मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करूँ तो मुझको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। जैसे अगर हम जैसे ऐसे देखो ना कि अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन ऐसे देख सकते हैं, इसको आगे देख लेते हैं, 120 कर लेते हैं। कोई कहा कि भाई एंगल हमने देखा थीटा 2 मीटर के बीच में, वो था 120, सही बेटा, सर 120 था, और मालूम चला कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बाइसेक्टर पे है, ये बोला है क्वेश्चन में, तो कहते कि एन बताओ क्या होगा, सही बेटा, तो एम निकालते हैं 360 बाई 120 कितना आ गया बेटा 3, ये ऑड है या इवन, ऑड है, और बाइसेक्टर पे है या नहीं है, है बाइसेक्टर पे, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगे बेटा एम माइनस वन कितना हो जाएगा भाई, सही बेटा, तो आपको ये सब दिया जाएगा, इसका कोई टेंशन नहीं लेना, बताओ यहाँ तक सबका क्लियर है सर। बेटा। एक छोटा सा पॉइंट और है, जब हम पैरेलल मिरर लेंगे तो क्या होगा, देखो जब हम बेटा पैरेलल मिरर ले लेते हैं और उसके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट रख दिया O, मान लो इनके बीच का डिस्टेंस है L, या L से अच्छा मैं इसको बोल लेता हूँ D, जो मिरर है उनके बीच का डिस्टेंस है D, और एक मिरर से मान लो इस मिरर का नाम है M1 और इस मिरर का नाम है M2, तो कहते हैं O और M2 के बीच में डिस्टेंस है L, बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, सही बेटा, तो तुमको मैं बता दूं, जब टोटल नंबर ऑफ इमेज की बात करी जाती है वो भी पैरेलल मिरर्स में, तो वो बेटा हो जाते हैं इनफिनाइट, क्या हो जाते हैं बेटा इनफिनाइट। अब वो कैसे होते हैं, जाइए देखो कैसे इमेज बनते हैं, देखिए O का M2 एक इमेज बना देगा पीछे अपने, तो इसको मैंने कहा I2 इमेज बना दिया, और जो M1 है उसके आगे कौन है O, तो वो पीछे इमेज बना देगा, इसको कहा I1। अब डिस्टेंस कितना होगा बेटा, देखें ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है D माइनस L, तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा D माइनस L, और ये वाला डिस्टेंस है क्योंकि L, तो ये क्या हो जाएगा L। अब देखो बेटा ध्यान से देखना इस बात को, ये जो I1 है एक्चुअली वो इमेज है, ये जो I1 है एक्चुअली वो क्या है, ये वाला इमेज, ये इमेज M2 मिरर के सामने है, तो M2 मिरर को ये लगने लगता है कि जो I1 इमेज है वो मेरे सामने रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट है, तो M2 क्या करता है इस I1 का भी एक इमेज बना लेगा, कितने डिस्टेंस से बनाएगा, देखो D माइनस L इस मिरर से है आगे, तो हमारे M2 से कितना आगे हुआ D प्लस D माइनस L, तो पीछे बना देगा यहाँ पे इसका इमेज, इमेज बनाएगा 2 किसका बनाएगा 1 का बनाएगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा D माइनस L प्लस D। ठीक है, ऐसे ही I2 को देख के M1 क्या बना देगा इसका इमेज, कितने दूर बनाएगा, देखो L प्लस D पीछे, ये हो जाएगा I1 2, और ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना, ये डिस्टेंस हो जाएगा L प्लस D। तो बेटा देखो फिर से I1 2 M2 के आगे आ गया इसका इमेज बनेगा, I2 1 M1 के आगे आ गया इसका इमेज बनेगा, तो ये बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते जो इमेज होंगे वो कितने हो जाएंगे इनफिनिट, बता बेटा ये समझ में आ गया। यस तो बेटा आज इतना ही रखते हैं, कल मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, फिर ये हमारा मामला क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आज का ये PDF मैं आपको कुछ समय में भेज दूंगा क्वेश्चन के साथ, और ये जो वीडियो है ये मेरे पास रिकॉर्ड हो चुका है, तो इसको मैं साउंड भी इसमें है करीब 1 घंटा 44 मिनट का, तो इसको भी मैं आपको भेज दूंगा या तो YouTube पे डाल दूंगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं, ठीक है कल बेटा, वाली तो वीडियो आज के लिए इतना ही रखते हैं, सर टेलीग्राम चैनल कल वाली डाल वीडियो है दूंगा। बेटा उसमें, हाँ कल की दिक्कत ये हो गई ना कि उसमें साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है, तो ये एक दिक्कत आ गई, तो बेटा मैं भेज दूंगा अभी, आज का तो भेज ही दूंगा, कल का वीडियो आप कहेंगे तो मैं भेज दूंगा साउंड रिकॉर्ड, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा एक बात और है, आप लोग बेटा क्या सुन पा रहे हैं मेरी बात, जी सर यस सर हाँ,
एक बात ये है कि उसमें अगर आपको ये जो टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक में दिक्कत क्या होती है ना कि जो है आपको, चूंकि थोड़ा सा ऐसा होता है कि फिजिकल देखे तो ज्यादा सही होता है, तो अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं इस टॉपिक को समझने में दिक्कत आ रही, तो ये भी मुझसे बता दें रे ऑप्टिक्स को, क्योंकि रे ऑप्टिक्स का क्या है ना कि सामने अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो आपको ये बातें समझ में आ जा रही है बेटा जो मैं आपको रे ऑप्टिक्स में समझाना चाह रहा हूँ? आ रही है सर? यस सर, आ रही है समझ में, अच्छी आ रही है। क्योंकि दिक्कत क्या है ना कि यहाँ पे मुझको ये जैसे लाइट रे का नाम लिखना पड़ेगा सामने जी को, जिसको सर, मैं दिखा देता हूँ ये लाइट रे वो लाइट रे, जी इस टाइप के सर, बार दिक्कत होता है। तो ऐसी कोई ज्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो नहीं आ नो रही बेटा? सर, नो सर, फिर भी बताइएगा बेटा अगर कोई दिक्कत आएगी। देखिए फिजिक्स है तो दिक्कत तो वैसे ही आती है, कुछ भी कर ले सर। दिक्कत तो आती ही रहती है, लेकिन फिर भी एक होता है कि नॉन टॉलरेबल दिक्कत आ गई, उसके लिए आप थोड़ा मुझको बताते रहिएगा कि हाँ यहाँ पे दिक्कत आ रही है वहां पे दिक्कत आ रही है। दिक्कत आएगी तो उसको हम उसी हिसाब से या उसी हिसाब से मैं अपने को ब्रेक करके चलाऊंगा ना, तो आप मुझको बताइएगा ठीक है? सर हाँ सर, बेटा पैरेलल केस में हमेशा ही इनफिनाइट होता है, मींस कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती कि जब इनफिनाइट ना हो, या हमें ना ना ना, होता क्या है ना कि एक मिरर जब इमेज बनाएगा, जैसे मान लो कि मिरर M2 जैसा हमने लिया था, उसके सामने मिरर M1 था, M1 ने इमेज बना दिया, तो मिरर ने जैसे इमेज बनाया ना, तो सामने वाले मिरर को लगता है कि जो पहले ने इमेज बनाया है वो मेरे लिए ऑब्जेक्ट जैसा है, क्योंकि लाइट रे सीधे आने लगती है ना। जैसे मैं इस बात पे अगर आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसे मैं दिखा दूंगा, एक सेकेंड में उसको शेयर कर देता हूँ, एक सेकेंड मैं आपको दिखाऊं। सर, बेटा ये मेरा स्क्रीन दिखने लगा, हल्का स्क्रीन दिख रहा है? हाँ देखो जरा, जैसे देखो मान लो मेरे पास ये मिरर है, ये मिरर है ठीक है ना, इसका कुछ नाम बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ M1, और ये मिरर है इसको बोल देता हूँ M2 ठीक है। अब सोचो मान लो एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा, L1 डिस्टेंस पे था, और ये मान लेते हैं L2 डिस्टेंस है, और ये मान लेते हैं D डिस्टेंस है, सही बेटा? अब मान लो O का M1 ने इमेज बनाया, वो हो गया I1, सही है? M2 ने भी अपना बनाया होगा, वो बना दिया होगा L2 डिस्टेंस पे I1। अब होगा क्या, I1 इमेज अगर है तो इसका मतलब यही तो हुआ कि I1 से लाइट रेज M2 तक जाएंगी। अलविया ये समझ में आ रहा है? यस अब I1 अगर इमेज है तो I1 से M2 की तरफ लाइट रेज जाएंगी, और लाइट रेज जाएंगी तो भाई सोचो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जहां से लाइट रेज निकल के आए, यस और I1 भी कैसा है, ऐसा है जिससे उससे लाइट रेज निकल के आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि I1 वैसे तो M1 का क्या है इमेज, लेकिन M2 को ये लगने लगता है कि चूंकि I1 से लाइट रेज ऐसे आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि I1 क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो M2 को अभी क्या लगता था, इससे पहले M2 को लगता था कि वो ऑब्जेक्ट है, तो उसका उसने इमेज बना लिया I2 पे, फिर उसी M2 को ये लगने लगेगा कि भाई I1 भी इमेज है, तो उसका क्या बना देगा, उसका बना देगा, सॉरी M2 को लगने लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज I2 बना दिया। सिमिलरली M2 को ये भी लगेगा कि I1 जो कि M1 का इमेज है, लगेगा कि वो एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि लाइट रेज तो उससे आ रही है, तो उसका भी क्या बना देगा, इमेज। तो I1 का एक इमेज बना देगा, कितनी दूर पे देखे बेटा, डी डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस कितना है L1, तो इमेज कितना दूर बना लेगा, डी प्लस L1, इतना दूर जो है I2 डैश बना लेगा, जो किसका इमेज है, जो I1 का इमेज है। सिमिलरली सोचो कभी आगे जाके मान लो यहाँ पे I2 बना, नहीं I2 तो मैंने लिख लिया, I3 बना, फिर से वहां से लाइट रे चूंकि M2 की तरफ जाने लगेंगे, तो M2 को फिर से लगेगा भाई I3 का ऑब्जेक्ट है, उसका फिर से एक इमेज बना लेगा है ना I4। तो ये कहानी रुकती नहीं है, ये चलती जाती है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ते जाते हैं। अच्छा जैसा काम M2 कर रहा है वैसा काम M1 भी करेगा, M1 भी क्या करेगा, चुन चुन के M1 को लगेगा पहले वो ऑब्जेक्ट है, फिर M1 को लगेगा नहीं I2 भी ऑब्जेक्ट है, फिर लगेगा I2 डैश भी ऑब्जेक्ट है, फिर लगेगा I4 भी ऑब्जेक्ट है, तो उनका लगेगा इमेज बनाने। बात समझ रहे यस बेटा? सर, तो इसलिए हाँ, इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस का अगर हम बात करें तो रुकता नहीं है। और बेटा किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू सर। हाँ थैंक यू। और किसी को बेटा कुछ पूछना है? नो सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है बेटा, तो मिलते हैं कल के दिन, थैंक ओके। यू।